पे थोड़ा ऐसा। हाँ ये अच्छा है, तूने स्प्लिट मार दिया ना उसको। रिकॉर्ड मेरे को डबल क्लिक करना है ना, अरे इधर करके वापस आता है ना रेड वाला, वो करना है ना बक। हाँ है ना, यार नया सॉफ्टवेयर डाल दिया उन्होंने तो दो चार दिन लगेगा। ओके अकाउंट का सब्जेक्ट बनाया कि नहीं मेरे, बनाया ना। हाँ खाली है अंदर। हाँ जस्ट चेक ऑनलाइन पब्लिक ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या तुमको? तुमको नहीं पूछ रहा हूं, ऑनलाइन पब्लिक को पूछ रहा हूं मैं। सो इनको इधर बैकग्राउंड, तुमको कौन सा बैकग्राउंड चाहिए इसमें? वो दूसरा वाला चेंज करने का जो है ना वो नया सॉफ्टवेयर भी नया बदला है रे। हाँ फर्नीचर वाला ये टेम्पलेट सेटिंग्स कौन सा वाला? मैं नोट का बैकग्राउंड बोल रहा हूँ। बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए तुमको? पूरा व्हाइट ये वाला ही? ये ब्लैक है? पहले था वो अलग था, ये था ये, या ब्लैक चाहिए तुमको? दिस इज ब्लैक। हाँ डॉट डॉट वाला चाहिए? वो जीन्स वाला यही वाला? क्या सेम ही है यार, क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है। लेट मी स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं सी अभिषेक जावरे, सुबह तुमको अकाउंट सिखाया था, सॉरी कॉस्टिंग सिखाया था, अभी अकाउंट सीक्वेंस चेंज हो गया ना सब्जेक्ट का। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग इन द इवनिंग। जो मेजॉरिटी पॉइंट्स थे, मैं कौन हूँ क्या हूँ, वो कॉस्टिंग में मैंने बोला था, तो वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ अभिषेक जावरे नाम बोला, अभी अपना काम बोलेगा। सो धीरे धीरे काम बोलेगा, लेट द वर्क स्पीक फॉर अस, दैट इज बेटर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंटिंग। दिस सब्जेक्ट यू पीपल हैव ऑलरेडी लर्नड एट 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सी ए फाउंडेशन लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, वॉट एवर यू पीपल हैव डन, या ग्रेजुएशन में आप सीख भी रहे होगे, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो। So subject is not new to you, but the format, pattern and the content that institute has now set for this paper is completely new to you. Complete new. It's a brand new paper for the first time, focusing only and only on corporate ya companies to a large extent. Ab tak kya tha? Partnership bhi tha syllabus mein. मतलब नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज का अकाउंटिंग या बेसिक ट्रांजैक्शंस भी सिलेबस में थे। लाइक सीए फाउंडेशन में तुमने या 11वीं 12वीं में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सीखा होगा, उसका अगला वर्जन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वगैरह भी चीज़ें आपके सिलेबस में थी। पहली बार इंस्टीट्यूट ने अच्छा दिमाग लगा के, अकाउंट का पेपर तो कंपेरेटिवली बहुत अच्छा किया है, दे हैव जस्ट पुट अप accounting standards in the syllabus. Other than accounting standard, there are hardly 2-3 chapters which are there. Majority of the syllabus is what? Accounting standards. You have to understand the financial statements in and out. It's a crazy subject. Extreme practical application hai, plus conceptual understanding bahut jyada lagega. Main ye sirf bolne ke liye nahi bol raha hu, kyunki पहली बार अकाउंट का पेपर ऐसा होगा जहां पर सॉल्विंग का प्रोपोर्शन जो है टाइम वो कम रहेगा, डिस्कशन या डिबेट्स या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, प्रिंसिपल इश्यूज ज्यादा रहेंगे।
अब तक टिपिकली क्या होता था, अकाउंट के पेपर में 15 मार्क, 20 मार्क, 10 मार्क के जो क्वेश्चंस थे ना वो ज्यादा आते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते थे, और बड़े बड़े चैप्टर्स थे ऐसे 20, पार्टनरशिप ऐसे, मतलब 5 मार्क को तो पार्टनरशिप पूछ नहीं सकते, जिन बच्चों ने अभी फाउंडेशन दिया उनको तो पार्टनरशिप ने बहुत लगाई होगी तुम्हारी पार्टनरशिप ने, राइट? जिन भी बच्चों ने पार्टनरशिप अटेम्प्ट किया था, आपने लॉजिकली अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था पार्टनरशिप, बट जिन्होंने भी पार्टनरशिप अटेम्प्ट किया था उनको समझ में आया होगा। तो प्रॉब्लम क्या था, बहुत बड़े बड़े सम्स आते थे, मतलब टिपिकली अकाउंट का पेपर अगर देखूं तो मैं 60-65 मार्क के जो क्वेश्चंस थे 3 या 4 चैप्टर या मैक्स 5 चैप्टर यूज टू कम अप फॉर 60-65 मार्क्स, मतलब कौन से भी 5, बट बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिया 10-15-20, हायर परचेज 10-15-20, सिंगल एंट्री 15 या 20, 10 का बहुत कम आता था, पार्टनरशिप 15 पे ही चालू होता था। तो वो जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे अच्छे थे, उनका वेटेज है अभी भी, बट अभी पूरे सिलेबस में बड़े चैप्टर आने का 4 ही चैप्टर, मतलब जहां जहां ऐसा 20-20 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी 4 के 4 के ऊपर तो पूछेगा नहीं। इस बार इंस्टीट्यूट ने अभी तक वेटेज नहीं दिया है, मतलब अब तक आपको मालूम है फाउंडेशन में वो चैप्टर का वेटेज देते कि ये चैप्टर्स का वेटेज इतना है, ऐसा अभी तक मुझे आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा नहीं, अनऑफिशियली वो कुछ भी सर्कुलेट होता है, आई डू नॉट ट्रस्ट ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आई एम दोस पर्सन हु गोज ऑन द बेयर टेक्स्ट। तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई वेटेज बोला नहीं है, होपफुली इंस्टीट्यूट आपको कुछ वेटेज बोलेगा, बट अभी हो क्या गया है, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, नंबर ऑफ चैप्टर्स आर टू मेनी, छोटे छोटे चैप्टर्स है, बट इससे क्या होता है ना, तुमका रहा जो चांस है ना, जो बच्चा अपना टिपिकली ये चैप्टर ऑप्शन को छोड़ दे, ये ऑप्शन को छोड़ दे, या इससे थोड़ा कम पढ़ाई कर, या इतने ही चैप्टर प्रिपेयर करके जा तू एग्जम्पशन लाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, रीजन इंप्रूव करना पड़ेगा। रीजन दूसरा और एक है, एमसीक्यू, छोटा 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 क्वेश्चन, 1-1 मार्क का 30 आएगा, या केस स्टडी भी बनाया तो 2-2 मार्क का भी पूछा तो भी मिनिमम 15 क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे आ सकते हैं, 30 अलग अलग कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट कवर कर सकता है। एमसीक्यू केस स्टडी रहेगा या इंडिविजुअल 1-1 मार्क के 30 आएंगे, भगवान जाने, वो तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा भी नहीं, करना भी नहीं चाहता, इट्स अप टू यू, मैं आपको उस हिसाब से बनाऊंगा कि 1 मार्क का पूछे, 2 का पूछे, 5 का पूछे, कुछ भी पूछ, आई विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व। तो पहली बार आपको अकाउंट्स जब आप सीखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार अकाउंट मतलब बोले तो सम रहता था, क्योंकि 11वीं 12वीं से तुम्हारा अकाउंट का अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया, सॉल्विंग 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 सॉल्विंग, इधर सॉल्विंग भी आएगा, बट अलॉन्ग विद द सॉल्विंग देयर इज अ गुड डील ऑफ व्हाट कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर डूइंग अकाउंटिंग और ऑन वेरियस इश्यूज, मैं आपको आज पूरा गाइड मतलब पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं, कंप्लीट ओवरव्यू देता हूं। So, बहुत अलग अलग एरियाज पे आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझना है, मैं सिर्फ मतलब ब्रीफ कॉन्सेप्ट बोल के सॉल्विंग करवा सकता हूं, उससे आप पास होने का उम्मीद भी मत रखना, मैं नहीं करूंगा, डरना मत, कर सकता हूं बोला, मैं करूंगा नहीं बोला, बहुत बिकॉज यू हैव 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें से 2 डिलीट हो चुके हैं, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन योर सिलेबस, और एक भी चीज मतलब नॉन प्रैक्टिकल है या बकवास है या थेराटिकल है या रियल लाइफ में लगती नहीं, ऐसा हीच नहीं है ही नहीं। पहले सिलेबस में ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मतलब आप कभी बहुत रेयरली यूज करोगे, वैसे चीजें इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में रखी थी, या कुछ चीजें गलत थी तभी भी रखी थी, दुनिया मतलब चल रहा था ऐसे, वो इंस्टीट्यूट ने कहा कि अभी डिलीट कर दिया, यूअर बैच इज अ फर्स्ट बैच विच इज गोइंग टू लर्न ऑल दीज स्टैंडर्ड्स, बहुत मजा आएगा। तो आपका सिलेबस है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस बाकी 2-3 ही चैप्टर, ज्यादा नहीं है। शेड्यूल 3 आपने फाउंडेशन में या ग्रेजुएशन में कंपनी फाइनल अकाउंट नाम का एक चैप्टर सुना होगा, मतलब नाम तो सुना होगा, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है, कंपनी का P&L कैसे बनता है, P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सिलेबस में रखे, शेड्यूल 3 कंपनी का P&L एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से चैप्टर है,
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली. तो यू हैव अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाट शेड्यूल 3 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और एक छोटा सा टॉपिक रखा है बायबैक ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग. कंपनी कैन परचेस इट्स ओन शेयर्स. फाउंडेशन में आपने इश्यू ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग किया था. व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स टू पब्लिक और कंपनी इश्यूज प्राइवेटली तो कंपनी के बुक्स में उसका अकाउंटिंग कैसे होगा. दैट वॉज कवर्ड बाय हुम इश्यू ऑफ शेयर्स. तो अभी उसका उल्टा मैं कंपनी हूं मैं तुमको शेयर्स इश्यू कर रहा हूं उसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है बायबैक ऑफ शेयर्स. तो बायबैक ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग कैसे होगा वो एक टॉपिक है. कंपनी का फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है. कंपनी ट्रबल में है कंपनी वाइंडिंग अप पे जा रही है तो इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग डाउन द कंपनी यू कैन गो फॉर व्हाट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी. तो उसका रीस्ट्रक्चरिंग का एक बेसिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो सिलेबस में रखा है. और ब्रांच अकाउंट्स कंपनी का बिजनेस या कोई भी बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप हो सकता है पार्टनरशिप हो सकता है. दे कैन रन अ बिजनेस थ्रू मल्टीपल ब्रांचेस. तो अलग अलग ब्रांच का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डिटरमिन करना है तो उसके अकाउंटिंग के ऊपर एक चैप्टर रखा है. बस हो गया सिलेबस. अब बोलोगे इतना छोटा वो 27 के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं ना. अकाउंटिंग सेंटर के बारे में कुछ बोला नहीं मैंने. क्या नाम दिया तुमको तो तुम्हारा पहले सिलेबस क्या है. नंबर वन मैंने क्या बोला अदर देन व्हाट अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग बोलते शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 क्या है बच्चों कंपनी के P&L बैलेंस शीट. अब तक आप जो मन में है टी फॉर्म में बनाते थे टू ओपनिंग स्टॉक कभी कभी भूलता था पहले टू परचेस लिख के टू ओपनिंग स्टॉक लिखता था बच्चा. जो मन में आया वो करता था बच्चा. क्यों कोई फॉर्मेट ही नहीं था ना. आपने क्या सीखा अब तक प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जिन दोनों के लिए कोई लॉ ही नहीं है. पार्टनरशिप का लॉ है लेकिन वो लॉ कोई काम का ही नहीं क्योंकि उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एफ भी नहीं है. देयर इज नथिंग अबाउट यू लर्न अ पार्टनरशिप लॉ ना जो ने फाउंडेशन दिया है पार्टनरशिप सीखा. डू यू रिकलेक्ट एनी सेक्शन वेयर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वॉज कवर्ड. नो नथिंग. व्हाई इट इज नॉट देयर. सो पहली बार क्या आएगा तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of company are to be given in a prescribed format. You do not have any choice to change the format. फिर बोले format रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा बहुत. हाँ but वो इतनी बार बनाओगे कि आपको याद मतलब रह जाएगा. इट्स लाइक एटलीस्ट आपको 100 बार तो बनाना पड़ेगा सिलेबस में अलग अलग चैप्टर्स कवर अप करके. एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंट्स तो आ जाएंगे आपको बहुत बार आएगा तो याद रखने की जरूरत ही नहीं. क्यों मैं इतने एनुअल रिपोर्ट आपको दूंगा इतने एनालिसिस करने को बोलूंगा तुमको खुद को तो उसमें से कभी ना कभी तो बच्चे को शर्म आएगी यार आज तो करते हैं यार हर रोज याद में चिल्ला रहा है कल से तो चिल्लाना बंद करेगा. वो चिल्लाने की वजह से कभी ना कभी तो आप फाइन मतलब जो मैं आपको बहुत सारे कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट आपको शेयर करूंगा कभी ना कभी आप देखोगे जिंदगी में कभी ना कभी आप एक्साइट हो जाओगे हवस की दुनिया से ये पैसे वाली हवस में आप आ जाओगे. तो कभी ना कभी तो आपके साथ होगा ये. तो आपको ये शेड्यूल 3 है. शेड्यूल 3 इज अ बेसिकली फॉर्मेट ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट देके रखा है. और उसके साथ साथ जो डिस्क्लोजर्स करने हैं ना इतने सारे डिस्क्लोजर्स करने हैं जिनका बहुत फायदा होता है कंपनी ढूंढने के लिए. मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं. हमारे नितिन गडकरी जी है मालूम है तुमको वो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे प्रोमिसेस करते रहते हैं. तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया जिसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम इंडिया में इथेनॉल का ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ बहुत बढ़ाने वाले हैं. क्या बोला मैंने इथेनॉल समझा तुम. इथेनॉल एक मतलब आप नॉर्मली शुगर केन से मतलब इट कैन बी मेड अप फ्रॉम अदर मेज अदर फूड क्रॉप्स ऑल्सो शुगर केन या मेज 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 को हिंदी में क्या बोलते कॉर्न कॉर्न. हाँ सो इथेनॉल पेट्रोल इनका ब्लेंडिंग होता है सो दैट वी रिड्यूस आवर कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल. पेट्रोल जो बनता है वो क्रूड ऑयल से बनता है. क्रूड ऑयल अपने इंडिया में नहीं है अनफॉर्चुनेट नेचुरल रिसोर्स से कुछ कर नहीं सकते. तो उसका ब्लेंडिंग का प्रपोर्शन उन्होंने बोला कि हम 20% पे लेके जाना चाहते हैं. और वो बोलते हैं कि पेट्रोल 15 रुपए में मिलेगा तुमको जो मैं बोल रहा था लंबी लंबी फेंकते.
जोक नहीं कर रहा हूं, आपको गूगल सर्च कर लो, 15 या 20 रुपए नितिन गडकरी। हाँ अपने पास गूगल है, नितिन गडकरी पेट्रोल 15 रुपीज। अरे हाँ ये देखो, अब भी क्या है, बहुत पुराना बात नहीं कर रहा है, 6 जुलाई 2023, तुम लोग पढ़ते नहीं है, इतना बड़ा आइटम दिया तुम और तुम इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहा है। पेट्रोल कैन बी सोल्ड एट 15 रुपीज इफ, देखते हैं इंडिया टुडे, उनका भाषण है उधर, वीडियो भी देख सकते हैं तुमको अगर लग रहा है ये चैनल झूठ लिख रहा है। अब मेरे को देखो क्या बोल रहा है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी प्रपोज एन आइडिया ऑफ ट्यूजडे विच ही सेड ही कुड ब्रिंग डाउन, ही कुड नॉट इंडिया, ही कुड ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल टू 15 रुपीज पर लीटर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे सेड दैट ब्लेंड ऑफ 60% ऑफ इथेनॉल एंड 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल, फिर पेट्रोल कैसे रहेगा? वो मेरे को जो लग रहा है उनको ये कहना था 60% पेट्रोल रहेगा, 40% क्रूड रहेगा, 60% इथेनॉल, मतलब वो पेट्रोल जो आएगा वो 60% इथेनॉल वाला रहेगा, और कुछ पार्ट कुछ टाइम के लिए गाड़ी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे चलेगी, और कुछ टाइम पेट्रोल कपल्ड विथ व्हाट इथेनॉल पे गाड़ी चलेगी, कैसे चलेगी वो उनको पूछना आप, मैंने नहीं बोला ये, और ज्यादा नॉलेज के लिए आप गडकरी जी के पास जाना, मैं आपको उसके ऊपर अकाउंटिंग पॉइंट बोलने लगा, मेरे पास उतना एक्सपर्टाइज है ही नहीं कि मैं 15 रुपए में पेट्रोल लेके आऊं। तो उनका ये स्पीच भी है आपको मिलेगा इधर, अड्रेसिंग द गैदरिंग इन राजस्थान प्रतापगढ़, गडकरी जी सेड दैट अ ब्लेंड विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस अ पोल्यूशन एंड अ कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, द इंपोर्ट अमाउंट टू 16 लाख करोड़, दिस मनी विल गो टू द होम्स ऑफ फार्मर्स, फार्मर को पैसा मिलेगा, फार्मर का इनकम डबल होने वाला है, हो गया सॉरी, फार्मर्स बहुत रिच हो जाएंगे हमारे कंट्री में, एडेड यूनियन मिनिस्टर। मेरे को याद है इन्होंने पहले बोला था कि मुंबई में मैं वाटर ट्रांसपोर्ट कर दूंगा सब जगह पे, मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन रहेगा ही नहीं, सब लोग अपने फेरी से जाएंगे। विजन बहुत बढ़िया है, आई लाइक दिस विजन, आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू बाय इट एट 15 रुपीज इंस्टेड ऑफ 105 रुपीज। गडकरी ऑल्सो शेयर्ड अ विजन ऑफ एम्पावरिंग फार्मर्स अक्रॉस द नेशन एंड सेड गवर्नमेंट एम्स टू ट्रांसफॉर द फार्मर्स इनटू बोथ अन्नदाता एंड ऊर्जादाता। इथेनॉल के लिए जो शुगर केन लगता है या मेज का क्रॉप लगता है वो फार्मर ही बनाएगा, ऊर्जा भी देगा फार्मर। अब चलो, उन्होंने गाड़ी भी लॉन्च किया था उसके बाद उधर, अरे ये कहां से आए, हाँ ये अभी क्या उसको कुछ कर नहीं सकते हम, वो अभी घटिया घटिया ये न्यूज वाले वेबसाइट्स रहते। नितिन गडकरी ऑल्सो सेड दैट गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ प्लान टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल एंड डीजल इन कमिंग डेज, ही एडेड दैट ही हैज टेकन इनिशिएटिव टू एलिमिनेट यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विद इन 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद बच्चों अगर तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल पे चली तो उसको छोड़ देना और साइकिल पे चलना, 5 साल बाद ऑफिस जब सीए बनोगे ना तो साइकिल पे चले जाना, जाने दो, प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड जोक व्हाटएवर आई सेड, आई रियली विश इंडिया बिकम्स लाइक दिस। मेरे को उससे कुछ पॉलिटिशियंस जो भी बोलते हैं इसको हमेशा जिंदगी में आपने डिस्काउंट करना चाहिए, उन्होंने एक्स बोला तो आपने 0.1x लेना चाहिए या 0.2x लेना चाहिए, कुछ भी, मैं इसमें से कुछ तो सीरियसली ले लूंगा और उससे पैसा कैसे कमाने का वो यूजिंग अकाउंटिंग नॉलेज आपको बोल रहा हूं, ठीक से सुनना। क्या बोला गडकरी जी ने, हम ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे, किस चीज का ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे, इथेनॉल और पेट्रोल का, इलेक्ट्रिसिटी तो वो तो चलो मतलब टेक्नोलॉजी वो तो धीरे धीरे वो तो आएगा, पक्का आएगा। इथेनॉल बनता कहां से, शुगर मेज एक क्रॉप से, उसका आगे डिस्टिलेशन होता है, प्रोसेस होता है, कभी आप शुगर फैक्ट्री गए उसके आगे डिस्टिलरी रहेगा तो वहां पे देख लेना, कुछ कुछ फैक्ट्रीज में इथेनॉल के प्लांट भी रहते हैं, कुछ कुछ लोग मोलासेस से फर्टिलाइजर बनाते हैं, उससे काकवी अलग रहते बेटा, काकवी खाने के लिए रहते, ये इथेनॉल खाएगा ना मर जाएगा, ये तो उधर जाके अरे कितना अच्छा इथेनॉल है, घर पे आके मरेगा, इट इज इंडस्ट्रियल अल्कोहल नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बोले ये क्यों बोल रहे हो, अकाउंटिंग से इसका लिंक क्या है, आई हैव टू आइडेंटिफाई कंपनीज विच जनरेट रेवेन्यू बाय कन्वर्टिंग दिस शुगर केन और मेज और अदर सच क्रॉप्स इनटू व्हाट, इथेनॉल, जो फार्मर से ये चीजें खरीदते हैं और प्रोसेस करके इथेनॉल करके गवर्नमेंट की जो ऑयल कंपनीज है उनको बेचते हैं, बीपीसीएल,
HPCL, इंडियन ऑयल, आई होप यू नो. क्यों? फार्मर ऊर्जादाता बनने वाला है हमारे देश में, अन्नदाता तो है ही. लगाओ अकाउंटिंग दिमाग. क्या लगता है आपको ये कहां से समझेगा? अकाउंटिंग कैसे लिंक क्या है? मैं ऐसे ही कुछ आपको स्टोरी बना नहीं रहा हूं. अकाउंटिंग से आप इसको, अकाउंटिंग का आपका नॉलेज यूज करके कैन यू सम हाउ स्पॉट समथिंग अबाउट दिस? क्या न्यूज आइटम क्या मिला? अब तुम बोलेगा तुम टिपिकली न्यूज आइटम बोल के इमीडिएटली फैमिली ग्रुप पे शेयर करेगा. देखो नितिन गडकरी, तुम्हारा फैमिली अगर बीजेपी सपोर्टर, देखो हमारे गडकरी जी कैसे बोल रहे हैं. तुम अगर कांग्रेस सपोर्टर, क्या गडकरी बोल रहा है ये देख. मेरे को ना बीजेपी पसंद है ना कांग्रेस पसंद है, मेरे को मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा नॉलेज पसंद है, पैसा पसंद है, अच्छे तरीके से कमाएंगे. बोलो. नहीं रे, ऑनलाइन एक बच्चा है जिस तन्मय कड, नहीं वो डाउट पूछ रहा है, मेरे को लगा आंसर दे रहे हैं. नहीं सॉरी तन्मय, डाउट बाद में लेगा. हाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहा है तू, अच्छा दिमाग लगा रहा है. इथेनॉल में इन्वेस्ट ज्यादा होगा तो मेरे को ढूंढने का है ना, लेकिन मेरे को अकाउंटिंग नॉलेज कुछ तो यूज करना है यार. अरे आराम से बैठ जाओ, पार्लियामेंट में नहीं हम, गडकरी जी पार्लियामेंट में. हाँ करेक्ट. तो मेरे को आइडेंटिफाई करना है ना वो कंपनी, कैसे आइडेंटिफाई करूं अकाउंटिंग नॉलेज यूज करके? सी इतना तो सबको समझा होगा इस एग्जांपल से कि इथेनॉल का डिमांड आगे जाके बढ़ने की उम्मीद है. अभी 7% तो मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं. क्यों? दैट इज अ पॉलिटिशियंस प्रॉमिस. मतलब पॉलिटिशियन बोलेंगे गाड़ी का, गडकरी जी को यह भी पूछना पड़ेगा गाड़ी का जो इंजिन है उसके पास वो कैपेबिलिटी है क्या ऐसा फ्यूएल प्रोसेस करने की? क्यों आप जितना इथेनॉल का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं इंजन में प्रॉब्लम्स आते हैं, इंजन में उस हिसाब से रिफाइनमेंट होना चाहिए. तो कितना आप फ्यूएल इथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ी के इंजन में, जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां है उनमें पॉसिबल है वो देखना पड़ेगा. तो देखो गडकरी जी उनका काम कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल, राजस्थान में कांग्रेस का गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से, एम आई राइट? तो उधर जाके उनको थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ता है, जैसे हमको मार्केटिंग करना पड़ता है. हम तुमको रैंक में लेके आएगा बोला कि नहीं, तेरे को प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं तू पढ़ के इधर मेरा क्लास ज्वाइन करो, तुम आएगा डेमो देखने आया, तुम पास हो जाएगा, मार्क्स आएगा. प्रॉमिस करना पड़ता कि नहीं हमको? ऐसे बड़े बड़े सपने तुमको दिखाने पड़ते ताकि तुम लोग आके हमको पैसा दो फिर तुम मरो. वही तो है ना, आप पुराने न्यूज उनके खोल के देखिए ना, आप जो प्रॉमिसेस किए थे वो कहां पर है. तो उनको प्रॉमिस करना है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं, वो उनका काम है. जैसे हमारा काम होता है, हम भी तुमको प्रॉमिस करता है, वो भी वोटर्स को प्रॉमिस कर रहा है. बात सही है. आई हैव टू आइडेंटिफाई द कंपनीज विच मेक अ इथेनॉल. हाउ विल यू फाइंड आउट? इसने थोड़ा सा बहुत, ही वॉज वेरी क्लोज टू आंसर. नाम क्या तेरा, भूल गया मैं नाम, अक्षय. हाँ किधर बताते वो? वही वही मेरे को टेक्निकल चाहिए, वो भी यही बता रहा था. फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताएंगे ऑब्वियसली, फाइनेंशियल रिपोर्ट में सब कुछ आता. उधर किधर किधर उसका क्या क्या हेडिंग पड़ेगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट 450 पेज का रहता है. 450 पेज में देखेगा किधर तेरे को शादी करनी है, 5000 लड़की है, कौन सी लड़की ढूंढेगा तू? 5000 फॉर एग्जाम्पल उसका टारगेट मार्केट में क्या, वो सब लड़कियां उसके साथ थोड़ी शादी करेगी? नो, लेट मी कम आउट, लेट मी गिव इट वन मोर ट्राई. नहीं रे बेटा. हाँ गुड आइटम. क्या नाम है बेटा तेरा? श्रेयस. गुड, आ गए ना आंसर. अभी तू क्या वापस क्या करेगा? बोलता हूं ना मैं क्या बोला, ऑब्वियसली बोलेगा ना मैं. आई हैव टू लुक आउट फॉर व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइंड इन द फाइनेंशियल विच कंपनी अर्न्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बाई सेलिंग इथेनॉल और बाई प्रोसेसिंग शुगर केन, मेज और अदर प्रोडक्ट्स इन टू वॉट? इथेनॉल. ये कहां पर रहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 इन यूर सिलेबस. विल लर्न एट सम डे. इफ यू वॉन्ट अ डे आई टेल यू द डे. ए 17 विल बी लर्निंग ऑन 2nd ऑफ नवंबर 2023 थर्सडे. सो
है अपने पास, सब रहता है। अभी पिछले मैच का आज गया होगा, शिट वो कल बच्चों ने फाड़ दिया, तुम मिलास डे को फाड़ने का, तब तक हाथ नहीं लगाने का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर तुमको तुम्हारा रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू समझते ना, सेल्स, हाँ सेल्स का ब्रेकअप दिखाना पड़ता है बिटवीन हाउ मच सेल्स यू अर्न प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। इट इज क्योंकि प्रोडक्ट का लिस्ट बहुत बड़ा हो सकता है, तो यू कैन ग्रुप व्हाट सिमिलर प्रोडक्ट्स टुगेदर, बट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बोले तो तुमको भी समझता मेरे को फैंसी वर्ड यूज करना चाहिए जो तुमको नहीं समझेगा, क्यों तभी जाके तुम फी देगा ना हमको। बिजनेस सेगमेंट, तुम्हारा रेवेन्यू का ब्रेकअप बिजनेस सेगमेंट बाय सेगमेंट, तुम रेवेन्यू अलग अलग तरीके से तुम कमा रहा है, अलग अलग सेगमेंट के थ्रू तुम्हारा रेवेन्यू कमा रहा है, तो उसका ब्रेकअप तुमको देना पड़ता है A17 सेगमेंट रिपोर्ट। तुमको ये रेवेन्यू का ब्रेकअप ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफी भी देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंट। सो तुम्हारे बिजनेस का 360 डिग्री एनालिसिस करना है, 360 मतलब फ्रॉम ऑल एंगल्स। कौन से एंगल्स? दो एंगल पकड़े मैंने ऑन योर स्क्रीन, एंगल्स फॉर एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस। अरे क्या नया पब्लिक, हाँ ये अपना चार्ट हम ऐसे बहुत बार बच्चे पैदा करेंगे। एंगल्स फॉर एनालिसिस ऑफ, दो बच्चे, सेगमेंट वाइज सॉरी प्रोडक्ट वाइज, ज्योग्राफी वाइज, प्रोडक्ट वाइज कैंसल, बिजनेस वाइज थोड़ा अच्छा सूट वूट पहना ना आज तो। बिजनेस सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट का आपको रेवेन्यू कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसमें कितना असेट्स लगा है, उसमें कितना लाइबिलिटीज है, असेट दे दिया लाइबिलिटी दे दिया, मतलब हर एक सेगमेंट में कितना कैपिटल लगाया, असेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, समझता ना, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज व्हाट, हर एक सेगमेंट में मैंने कितना कैपिटल लगाया हुआ है। एक बार मेरे को कैपिटल समझा, उसका प्रॉफिट भी मालूम है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने कॉस्टिंग के लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था, केडिया ने पांच, केडिया क्या यार, सोमानी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। घर वाले बोले अरे अपना मारा छोकरो गनो चोको 5 करोड़ का प्रॉफिट कमायो, अभी लुगई लेके आयो। बट छोकरो को मैंने क्वेश्चन पूछा, छोकरो कैपिटल कितना थो, छोकरो बोलो 100 करोड़। 5 करोड़ का प्रॉफिट, तू अगर 100 करोड़ का कैपिटल लगा के कमा रहा है क्या फायदा। मैं ये ऐसा सेगमेंट बाय सेगमेंट एनालिसिस कर सकता हूं, एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 100 करोड़ का कैपिटल लगा के तू 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है बेटा, तो निकाल रिटर्न। तो मेरे को बिजनेस बाय बिजनेस रेवेन्यू कितना है। अब बिजनेस बाय बिजनेस मतलब बिजनेस कैन बी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, डोंट यू माइट हैव मल्टीपल, लाइक मैं फैन बेचता हूं, हैवेल्स हूं, मैं केबल भी बेचता हूं, फैन भी बेचता हूं, हैवल समझा। अब फैन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, या टाटा मोटर्स हूं मैं, टाटा मोटर्स कार भी बेचता है, ट्रक भी बेचता है, ट्रक ऐसे ऐसे चला दे ना उसको, कार ऐसे चला दे, ट्रक कमर्शियल व्हीकल गया, कार पैसेंजर व्हीकल गया। तो मेरे को पैसेंजर व्हीकल का, पैसेंजर कार में बहुत है उनका नाम बोल, इंडिका, सफारी, नेक्सॉन, टाइगर, ऐसे अलग अलग गाड़ियां है, ये सारे गाड़ियों को हम बोलेंगे पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस। ट्रक्स, अलग अलग टाइप के ट्रक रहेंगे ना उनके बहुत सारे, छोटा हाथी, हाँ है ना, टाटा एस छोटा हाथी, 407 उनका बहुत पॉपुलर मॉडल है। तो ऐसे गाड़ियां, अभी मैं टाटा मोटर का डीलर नहीं हूं इधर, तो वो कमर्शियल व्हीकल है। तो सेगमेंट में मैं दिखाऊंगा पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, उसमें रेवेन्यू कितना आया, प्रॉफिट कितना आया, कैपिटल कितना लगाया, तो मेरे को हर एक सेगमेंट का ब्रेकअप मिलेगा। ये ब्रेकअप तुमको P&L पे मिल रहा था क्या? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्हाट, ओवरऑल समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस विदाउट द डिटेल्स। ये डिटेल्स कहां पे रहेंगे बच्चों? नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट। इतना बड़ा तुमको लग रहा है ना फाइनल अकाउंट, आज तक तुमने फाइनल अकाउंट आधे घंटे में टैली किया था, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में 10 आइटम थे, नीचे क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, RDD, वही तुम्हारा लेवल है।
हम जब अभी फाइनल अकाउंट देखना चालू कर, एग्जाम में इधर भी इतना नहीं आएगा, बट जब रियलिटी में फाइनल अकाउंट में आपको दूंगा ना और पढ़ने बोलूंगा, 200-300 पेज के रहेंगे P&L बैलेंस शीट नोट्स। एक कंपनी का बात कर रहा हूं, मल्टीपल कंपनी का नहीं, एक कंपनी का, एक साल का, 200-300 पेजेस। वो तुमको एनालाइज करना है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नहीं बोलूंगा फ्रैक्शन ऑफ आर, सेकंड थोड़ा जरा ज्यादा हो गया। आपको ये कुछ टाइम के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करना, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी लगेगा, बट आपको पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या है डिटेल में भी एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा नोट्स अकाउंट में क्या क्या चीज आती है। द सेगमेंट रिपोर्ट विच आई टॉक्ड अबाउट इज जस्ट वन स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट अ ग्रेट, इट इज नॉट एवरीथिंग अबाउट द नोट्स टू अकाउंट बॉस, इट इज जस्ट अ स्मॉल पीस, इट इज जस्ट वन स्टैंडर्ड। इतने ज्यादा डिस्क्लोजर्स आते हैं और ये बहुत काम के डिस्क्लोजर्स है, आपको कंपनी का नाम भी बोलूंगा, अभी आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने रेवेन्यू कौन से सेगमेंट, वापस चलो, एनालिसिस ऑफ बिजनेस, दो बच्चे, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो आपको रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैपिटल दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल सकता हूं, कौन से सेगमेंट में ज्यादा है, जिस सेगमेंट में रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लॉजिकली उस सेगमेंट में कंपनी ने क्या करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करता है या नया कैपिटल जो कंपनी को लगाना है, कंपनी ने किधर लगाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए, जो सेक्टर से या जो सेगमेंट से ज्यादा पैसा आ रहा है, कंपनी सच में उधर पैसा लगा रही है कि नहीं लगा रही है, तुमको समझेगा ना नोट्स अकाउंट देख के, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। कंपनी आरओआई कैलकुलेट करके नहीं देगा तुमको सेगमेंट बाय सेगमेंट, तुमको खुद आरओआई निकालना पड़ेगा। निकाल नहीं सकते क्या तुम आरओआई, तुम तो कैपेबल हो ना आरओआई निकालने के लिए। तो इफ आई विल हैव टू आइटम्स, कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस विल बी अवेलेबल विथ मी थ्रू दिस नोट्स टू अकाउंट्स। ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी रहेगा, ज्योग्राफिकल सेगमेंट में क्या करेंगे हम, हाउ मच रेवेन्यू आर अर्निंग फ्रॉम एशिया, हाउ मच रेवेन्यू आर अर्निंग फ्रॉम यूरोप, हाउ मच रेवेन्यू आर अर्निंग फ्रॉम अमेरिका, हाउ मच आर यू अर्निंग फ्रॉम लेट्स से विद इन अमेरिका, मेरे को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका ब्रेकअप करना है, तो ये ब्रेकअप करेंगे। चलो एक बार ब्रेकअप करते हैं, स्क्रीन पे कैमरा चल रहा है, हाँ। सो एनालिसिस ऑफ बिजनेस, दो बच्चे, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। Once I present this particular breakup, I will know from which areas the growth is coming. If I know America is in trouble, because America ka bhi recently downgrading hua hai, agar aapko thoda news pada hai, so I do not want exposure to the businesses which generate lot of revenue from America. Or Europe is going through a crisis, kyunki wahan pe war chal raha hai, Europe. मतलब यूरोप, रशिया, यूरोप और एशिया के बीच में रशिया वाला, रशिया थोड़ा उधर भी है इधर भी है, बट रशिया सप्लाइज अ लार्ज चंक ऑफ एनर्जी टू द यूरोप। स्कूल में थोड़ा बहुत हिस्ट्री सीखे होगे आप, हाँ ना। तो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से यूरोप में भी ट्रबल है, यूरोप में उनके इंटरनल क्लैशेस चल रहे हैं, सो आई डू नॉट वॉन्ट टू मच ऑफ एक्सपोजर टू वॉट यूरोपियन इकोनॉमी। सो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द कंपनीज विच हैव जनरेटेड टू मच ऑफ रेवेन्यू, टू मच ऑफ प्रॉफिट From Europe, from America, दिमाग चल रहा है, कहां से समझेगा तुमको। P&L में क्या लिखते हैं हम, सेल्स डॉट डॉट डॉट, उस सेल्स का ब्रेकअप किधर है, P&L में तो ब्रेकअप नहीं दे सकता ना मैं, आई जस्ट डोंट वॉन्ट अ ब्रेकअप ऑफ सेल्स, आई वॉन्ट अ ब्रेकअप ऑफ प्रॉफिट, आई वॉन्ट अ ब्रेकअप ऑफ असेट्स, आई वॉन्ट ब्रेकअप ऑफ लाइबिलिटीज, आई वॉन्ट टू नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस ने किया है वो कौन से सेगमेंट में किया है। आई वॉन्ट टू नो वेदर द बिजनेस इज इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर मनी इन द सेक्टर्स विच आर ग्रोइंग और सेक्टर्स विच आर लैगिंग। लॉजिकली कहां पे पैसा लगाना चाहिए, तुम्हारे पास एक्सेस कैपिटल है, तुमने कौन से धंधे में पैसा लगाना चाहिए, कॉमन सेंस, तीन धंधे, तीनों धंधे का आरओआई अलग अलग है, लॉजिकली तुमने कौन से धंधे में, जहां पर आरओआई ज्यादा है और जहां पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा है, कुछ समझा। कहां से मिलेगा तुमको ये सारा इंफॉर्मेशन, कंपनी कौन से बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है, कहां से समझेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। कौन सा नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट तो 250 पेज के बेटा, 250 पेज में पढ़ने का किधर, A17 सेगमेंट रिपोर्ट,
जो तुम्हारे सिलेबस में है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? गडकरी जी ने क्या बोला हमको? क्या बोला गडकरी जी ने? 15 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, मालूम है? नहीं मिला। और ये कितने साल में हो जाएगा? 5 साल। मेरे शब्द नहीं है, गडकरी जी के शब्द है, जुबान मेरी है बस। 5 साल में क्या करेगा तुम लोग? सीए बनेगा। पेट्रोल नहीं 15 रुपए मिला तो क्या करेगा? साइकिल पे जाएगा, साइकिल पे जाएगा। फायदा किधर होने वाला है? गडकरी के 60% उन्होंने इथेनॉल का ब्लेंडिंग बोला। यू नो सिक्स राइट नाउ इथेनॉल का ब्लेंडिंग कितना है हमारे यहां पर? 10-20 प्रपोज्ड है, हो रहा है 10। अब आप इमेजिन करो, गडकरी ने जो बोला, गडकरी जी ने जो बोला, उसमें से आधा भी सच हुआ, 30%, तो भी इट इज 3 times ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग, 200% ग्रोथ ऑन वॉट? इथेनॉल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली दिस विल नॉट हैपन ओवरनाइट, दिस विल टेक अ टाइम, थिंग्स डू नॉट हैपन ओवरनाइट, वेरी फ्यू थिंग्स हैपन, मेजॉरिटी थिंग्स टेक अ टाइम। अरे ठाने ऐसा क्यों बाल कर रहा है? शक्ल जरा हंस ना, जरा शक्ल पे थोड़ा ऐसा गम में क्यों बैठा है उधर? हाँ, शक्ल पे जरा थोड़ा, तेरी शक्ल देखकर डर लग रहा है मेरे को। कुछ कुछ लोग ऐसे मेंढक की जगह, अरे थोड़ा हंसो यार जिंदगी में, जेल में नहीं डालकर। मैं यहां पे तुम्हारे का जेलर हूं क्यों? और ये गन नहीं है, कैमरा है। सो पॉइंट क्या है? 30% भी इथेनॉल का ब्लेंडिंग हो तो ग्रोथ ज्यादा होगा। तो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कंपनीज विच हैव ग्रेट एक्सपोजर टू इथेनॉल। हाउ डू आई फाइंड आउट सच कंपनीज? सेगमेंट रिपोर्ट। अब आप बोलेंगे सर कितने सारे कंपनी, हर एक कंपनी का सेगमेंट रिपोर्ट हम जाके थोड़ी खोलेंगे। दैट्स वेयर टेक्नोलॉजी कम्स। वो आज नहीं सिखाऊंगा, वो नहीं आज सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट कंपनी का नाम बोलूंगा, टेक्नोलॉजी थोड़ा बाद में। क्यों? डेमो है ना, पब्लिक भी, टीचर्स भी देख रहे बहुत सारे। हाँ मतलब मार्केट है यार, इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, कॉम्पिटिशन एनालिसिस, सो मेनी फैक्टर्स। तो कंपनी का नाम देखते हैं, हम जाते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे गया, BCL इंडस्ट्रीज करके कंपनी है इनके, बहुत मतलब छोटा स्मॉल कैप कंपनी है। सो ये स्क्रीनर पे गया, स्क्रीनर पे पेड वर्जन है आपके पास तो ही आपको सेगमेंट डेटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पेड वर्जन 5,000 रुपए में मिलता, तुम मत लेना, मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास है ना पेड, मेरा लॉग इन है कि हाँ है। तो मैं आपको स्क्रीनर पे जाने के बाद आपको कौन से कंपनी के क्या क्या बिजनेसेस है, क्या है उसका एक ब्रीफली, बहुत सारे लोगों ने वहां पर की पॉइंट्स में ऐड किया रहता। की पॉइंट्स में गया मैं, रीड मोर पे क्लिक किया, तो ऑनलाइन पब्लिक आई होप तुमको दिख रहा होगा। तो ये अलग अलग बिजनेसेस में, एडिबल ऑयल का एक उनका बिजनेस है, प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, कॉटन सीड रिफाइंड ऑयल ऐसे है, बासमती राइस है, वनस्पति घी है, लिकर भी बनाता है। क्या डाइवर्सिफाइड है ना, मतलब हम तुमको पाम ऑयल भी दे रहे हैं और उसके साथ विस्की भी दे रहे हैं, बट लिकर का प्रोपोर्शन विस्की, जिन, रम, वोडका कम है। असली संतरा, अरे बाप रे ये क्या है? अच्छा ब्रांड का नाम असली संतरा है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? जो वहां से रेवेन्यू उनका बहुत कम है। सो एडिबल ऑयल से उनका बिजनेस आता है 53%। डिस्टिलरी जो होता है, ये जो इथेनॉल बनता है वो डिस्टिलेशन से आता है। इथेनॉल कहां से आता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस है। सो इन द डिस्टिलरी सेगमेंट कंपनी हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द की क्लाइंट्स वगैरह, जो है वो है, एडिबल ऑयल बना रहा है, डिस्टिलरी बना रहा है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, दे आर लुकिंग टू मेक अप अ बेस बायोफ्यूल, इथेनॉल इज अ कॉल्ड अ बायोफ्यूल, 200 किलोलीटर्स पर डे का उन्होंने प्लांट लगा दिया है। ऐसे ये प्रोडक्ट्स धीरे धीरे चल रहा है, दे आर एक्सपांडिंग इन टू दैट पर्टिकुलर इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मेरे को की प्रोडक्ट्स का डेटा मिल गया। तो फिर मेरे को नीचे सेगमेंट रिपोर्ट आके दिखता है, यहाँ पर आप नीचे आओगे P&L मिलता है, बाकी कंपनीज का कंपैरिजन मिलता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है, और इसके बाजू में क्या दिख रहा है तुमको? प्रोडक्ट सेगमेंट। तो यहाँ पर सेगमेंट्स में गया मैं, हर एक सेगमेंट का क्या है, सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कैपिटल कितना लगाया है तुमने, आगे अमाउंट्स वगैरह है। यू वॉन्ट अ परसेंटेज ग्रोथ और यू वॉन्ट अ अमाउंट, चॉइस आपके पास है। पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए तो नीचे ये समराइज्ड फॉर्मेट में है, डिटेल्ड रिपोर्ट आपको वहां पर नीचे जाके, ये आपको नहीं दिखेगा सेगमेंट के ऊपर,
बट आप क्वार्टरली रिजल्ट, इफ आई क्लोज द सेगमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट जो भी होते हैं उसमें सेगमेंट का डेटा नहीं मिलता है, पीएनएल का आप नीचे बैलेंस शीट पीएनएल एंड डॉक्यूमेंट्स करके चीज रहता है, इधर ऊपर क्या है डॉक्यूमेंट, उधर डॉक्यूमेंट्स में गया तो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडिंग, वो डाउनलोड करके आपको पूरा सेगमेंट रिपोर्ट पीडीएफ में मिलेगा, कंप्लीट डिटेल्ड रहेगा वो, ये सब सीखेंगे हम पूरा पीडीएफ या एनुअल रिपोर्ट, यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड एंटायर एनुअल रिपोर्ट बाय 30 नवंबर 2023। आप बोले 31 जनवरी सुबह बोला था तुमने, वो पूरा ग्रुप बोला था, अकाउंट तो 30 नवंबर को खत्म होगा ना, तो 30 नवंबर तक सारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। अब ये बेसिक स्टैंडर्ड है, यहां से आपको इसका ज्योग्राफिकल एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, इट इज ओनली इंडिया, बट बहुत सारे कंपनी जिसका ज्योग्राफिकल एक्सपोजर रहता है, तो ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफी आपको सेल्स पता चलता है, प्रॉफिट पता चलता है, और उसका रिपोर्ट आपको, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन इंटरमीडिएट बैच। आप इमेजिन करो अब ये एक्स्ट्रा कैसे करने का, ये डेटा ये एक कंपनी का है, ऐसे कंपनीज बहुत है, 6,500 कंपनी है लिस्टेड, अनलिस्टेड बोलू तो टोटल 13-14 लाख कंपनी अपने कंट्री में एक्टिव। अब आप एनालिसिस कैसे करोगे, ये तो लिस्टेड का प्लेटफॉर्म बोला, अनलिस्टेड का मैं बाद में बोलेगा, याद दिलाना मेरे को देवो खत्म होने के बाद। ये चीजें आज आपको काम में नहीं आएंगी क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं है, दिमाग भी नहीं है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिमाग भी आएगा पैसा भी आएगा, या बहुत से लोगों को पैसा आएगा दिमाग नहीं रहेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई नीड टू नो हाउ डू आई एक्सट्रैक्ट, हाउ डू आई फाइंड, इफ देर इज आई नो द कॉन्सेप्ट, तुमने सीखा कॉन्सेप्ट A17 का एनुअल रिपोर्ट सेगमेंट रिपोर्ट ऐसे बनता है, ये रिपोर्ट जो दिखाया ना उधर वो रिपोर्ट तुम्हारे सिलेबस में है, तुम बनाएगा। सो बट वो रिपोर्ट बनाने के बाद भाई मेरे को आइडेंटिफाई कैसे करूं मैं कंपनीज को, यू नीड टू लर्न। सो दैट इज वॉट इंस्टीट्यूट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट एक्सपेक्टिंग, बट समवेयर डाउन द लाइन, और ये समझने के लिए आपको लगता है, मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसलिए डिटेल में बोल रहा हूं इतना, जब हम करेंगे तब आपको ये समझने के लिए मेरे को कितना टाइम जाएगा, 15-20 मिनट जाएगा, अगर गाना गाने के अलावा या कुछ और टाइम पास करने के अलावा मैं 15-20 मिनट इसके ऊपर बात करूं तो क्या जाता रहे तुम्हारा, कुछ जाता ही नहीं है। तो हम बाकी के प्रॉब्लम जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये धंधा सिखाया, मैंने आपको इसके ऊपर ITC, मैं लॉकडाउन के अंदर चिल्ला चिल्ला के बच्चों को वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाले थे, ITC का जो बिजनेस था उसमें बहुत सारे से, इंडियन टोबैको कंपनी करके कंपनी है, बहुत बड़ा जायंट है, उसके FMCG बिजनेस है उनका, जो आशीर्वाद आटा या तुम्हारा यप्पी नूडल या फियामा डाई व्हील्स करके एक सोप है, ऐसे बहुत सारे अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, वो FMCG। दूसरा है सिगरेट के ब्रांड्स तुमको मालूम रहेंगे उनके, फोर स्क्वायर व्हील्स और कस्टमर ऐसे सिगरेट वाला धंधा है उनका, सिगरेट का धंधा है, FMCG का धंधा है, होटल्स है उनके और सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो लोग, IT कंपनी भी है उनका, बहुत कम लोगों को मालूम है कि ITC सॉफ्टवेयर बनाता, और छोटा मोटा नहीं, 600-650 करोड़ का साल का, बहुत तगड़ा बिजनेस है उनका। अब अपने लोगों को अकल नहीं था, ITC तब बहुत लगी थी क्योंकि एक कंसेप्ट आ रहा ESG इन्वेस्टिंग करके एक कंसेप्ट है, आगे जाके आप फाइनल में सीखोगे, तो कंसेप्ट उस टाइम पे फैड पागल जैसा हो गया था, ITC का शेयर बहुत गंदी तरीके से पीटा था, 170-180 के भाव पे लॉकडाउन में चल रहा था, बहुत टाइम तक उधर ही रहता, इतने सारे सोशल मीडिया पे उसके मीम्स बनाए थे लोगों ने, ये भागता ही नहीं, मार्केट भागने लगा था, ये किधर का किधर नहीं है भागा। बट इन दैट पीरियड ITC चेंज्ड इट्स कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी टूवर्ड्स होटल बिजनेस। होटल का बिजनेस क्या है, बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है नया, कोई ITC इज नॉट इनटू एंट्री लेवल होटल्स, उनके मेजॉरिटी होटल्स जो है वो लग्जरी होटल्स है, ग्रैंड ह्यूज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ या हंड्रेड्स ऑफ करोड़ स्पेंड करके होटल बनाता वो, तो इनके सारे ग्रैंड होटल्स, एक एक होटल बनाने को इनको बताओ ऐसा 300-400 करोड़ रुपए लगता था, और सिगरेट का बिजनेस को तो पैसा लगता ही नहीं, क्या है सिगरेट के लिए कोई मशीन नहीं लगता, टोबैको ले लो डाल दो रोल करो चालू हो गया अपना लोकल BD मैन्युफैक्चरिंग। तो ITC का सिगरेट वाला जो बिजनेस था वो मैसिव रिटर्न कमाता है, मतलब रिटर्न ऑफ ITC ऑन अ सिगरेट इज 573% पर एनम, 570% जो कैपिटल लगाता है, आपको रिपोर्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा उस टाइम पे मैं। लेकिन सेगमेंट में ITC एक चेंज कर रहा था, धीरे धीरे जो नए होटल्स ओपन कर रहे थे उसमें उनका कैपिटल जो लग रहा था वो कम लग रहा था, क्यों, ITC changed its business model when they understood कि ये जो होटल वाला बिजनेस है इट्स सकिंग द कैपिटल, क्योंकि नया होटल खोलने के लिए क्या लगता था उनको,
कैपिटल लगता था, दे बेसिकली चेंज द बिजनेस मॉडल एंड दे से वी आर नॉट गोइंग टू बाय द एंटायर प्रॉपर्टी एंड रन द होटल आवरसेल्फ, वी विल जस्ट ऑपरेट अ होटल ओन्ड बाय समवन एल्स, ब्रांड विल बी आर्स. मेजॉरिटी ऑफ JW मैरियट ग्रुप होटल्स आर नॉट ओन्ड बाय मैरियट. पुणे का जो मैरियट, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक अ नेम, यू गूगल इट आउट, इट इज ओन्ड बाय सम रियल इस्टेट टाइकून. आई डोंट नो वेदर इज इन जेल और आउटसाइड द जेल नाउ. थोड़े बहुत पॉलिटिकल चीजों में उलझ गए थे. आई डू नॉट नो द नेम, मैं भूल चुका हूं, मेरा मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं है. तो उन्होंने JW मैरियट का मॉडल कॉपी किया. क्या हो गया उससे? ITC को जो कैपिटल लगाना था धंधे में, वो कैपिटल कम नगले लग गया. दे स्टार्टेड ओपनिंग न्यू होटल्स, दे केम अप विद द न्यू ब्रांड स्टोरी करके उनका एक नया ब्रांड लॉन्च किया, लग्जरी सेगमेंट में भी गए. और उन्होंने बोला कि हम यहां से आगे जाके कैपिटल अलोकेट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा लेवल पे. जो नॉर्मल कैपिटल लगेगा उतना ठीक है होटल रन करने के लिए. होटल का प्रीमाइसेस एक्वायर करना, कंस्ट्रक्शन करना बहुत कॉस्टली अफेयर होता है एंड टाइम भी लगता है, क्योंकि कोई नॉर्मल होटल नहीं है, कोई तुम्हारा ओयो नहीं है, दिस इज अ मैसिव बिजनेस. वो कम कर दिया. दैट वॉज एन इंडिकेशन दैट ITC वॉन्ट टू टेक देयर होटल बिजनेस आउट, विच दे डिड अराउंड 15 डेज अगो. 15 दिन पहले ITC ने होटल को डीमर्ज किया. डीमर्ज किया मतलब अनाउंसमेंट किया. इफेक्टिव प्रोसेस, लीगल प्रोसेस चलते रहेगा अगले साल भर तक लगभग. इंडिया में लीगल प्रोसेस बहुत टाइम लेते हैं. तो ऑलमोस्ट दे जस्ट व्हाट दे डिड, दे डीमर्ज देयर होटल बिजनेस. अनाउंसमेंट किया उसका रेशो उन्होंने कल परसों ही अनाउंस किया, जस्ट 2 डेज अगो. तो ये मैं आपको वीडियो, तुमको उस टाइम पे बच्चों को, हमने उस टाइम पे भी सेगमेंट रिपोर्ट सिलेबस में था, उस टाइम पे बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोला था ITC खरीदो खरीदो. मेरे खुद के पास, मैं 6 महीना लॉकडाउन में गोवा में रहा था, 50-60 हजार रुपये होटल का पर डे का रेट था. मैं सिर्फ ITC के ऑप्शंस और ITC का जो डिविडेंड था उसके ऊपर रहा. सिर्फ इट वॉज ह्यूज रिक्वायरमेंट. देयर इज अ ह्यूज, देयर इज वन वे टू अर्न मनी थ्रू ऑप्शंस आल्सो, यू विल लर्न. ITC वो जो 160, 170, 180 के भाव पे था, वो लगभग 470 गया था, अभी 450, 440 पे रहेगा इन अबाउट 2 ईयर्स टाइम. माय डिविडेंड वाज इनफ टू बाय अ कार एवरी ईयर, अ डिसेंट लग्जरी कार. अब कैपिटल इमेजिन करो, कैपिटल अप्रिसिएशन कितना हो गया होगा. द सिंपल पॉइंट वॉज दे वर मेकिंग किकैस मनी फ्रॉम सिगरेट. 570%, जोक नहीं कर रहा हूं. एंड दैट बिजनेस वॉज अवेलेबल एट अ डर्टी चीप रेट इन द मार्केट. पब्लिक वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक वॉज इंटरेस्टेड इन द सोशल मीडिया मीम्स, बट इट टेस्टेड द पेशेंस. 1 ईयर इट डिड एब्सोल्यूटली नथिंग, इट रिमेन देयर एंड देयर इटसेल्फ. बट ये डीमर्ज जब कुछ लोगों को समझ में आने लग गया, देन द इंटरेस्ट इन द बाइंग स्टार्टेड कमिंग. फाइनल अनाउंसमेंट अभी आया, स्टॉक प्राइस अनाउंसमेंट के बाद नहीं भागा. Stock price rallied way in advance. That's why our institute says, Yo esha supteshu jagarti. Apne ICA ka logo dekha hoga. The one who understands the world before everyone else understands is a chartered accountant. Oh, Rishabh sir ne subha sahi bola kuch to. You have to start living it from right now. Degree aapko baad mein milega. But you start living that particular feeling, even if you don't have money, you can start understanding. नवंबर 20 के इंटरमीडिएट के बैच को पूछ के देखो. नवंबर 20 करेक्ट, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन वाला बैच था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सेगमेंट रिपोर्ट, इट्स अ बेसिक रिपोर्ट, वेरी वेरी बेसिक रिपोर्ट. नाउ यू कैन लर्न. आज तक इंस्टीट्यूट ने इंडिपेंडेंस से उसके ऊपर 2 ही क्वेश्चन पूछे, मतलब क्वेश्चन हर बार आता है लेकिन 2 ही टाइप के क्वेश्चन है. 2 ही टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछे हुए हैं. अब मैं आपको वो चैप्टर सिखाते रहने पर बोल सकता हूं, बच्चे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इतना ही कर ले, मैं तो वो करूंगा ना. बट उसके साथ साथ अगर मैंने 15-20 मिनट तुमको ये बाकी का ज्ञान दिया, तुमको 100% वो ज्ञान समझा नहीं, 10% भी समझा, तो तुम्हारा बाकी का ज्ञान निगेटिव होता. करे कभी आपने सुना कि ऐसे ज्यादा सीखने की वजह से मेरा जो नॉलेज था वो कम हो गया? रे हाँ, ज्यादा दारू पीने की वजह से आदमी मर सकता है, ज्यादा नॉलेज की वजह से आदमी मरता नहीं ना, कुछ इंपैक्ट होता है. ब्रेन इज द ओनली असेट विच अप्रिसिएट्स आफ्टर यूज,
ऑल अदर असेट्स डिप्रिसिएट आफ्टर यूज. तुम्हारा बॉडी, बाकी का सारा बॉडी का पार्ट जो है वो डिप्रिसिएट होता है. देखो मेरे बाल डिप्रिसिएट हो गए, ब्रेन अप्रिसिएट हुआ है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिलेबस में चीजें इंस्टीट्यूट ने रखी है कुछ तो. सी एग्जाम के अंदर आप इंस्टीट्यूट से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो कि सारी चीजें वो प्रैक्टिकल लेवल पे पूछे, क्योंकि ये एग्जाम मासेस के लिए है, क्लासेस के लिए नहीं है. देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे लोग आते हैं. तो उनके लिए एक कॉमन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक का लेवल प्लेइंग, मतलब देयर इज नो सिमिलैरिटी. बट किसी ने भी आपको रोका नहीं है. एक बार वो सिलेबस का थोड़ा सा अप्लीकेशन अगर सीखोगे ना, आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी. और ये सारे स्टैंडर्ड्स पहली बार है. अब मैं इसके ऊपर एमसीक्यू, ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू पूछ सकता हूँ ना तुमको बना के? कैसे एमसीक्यू इंस्टीट्यूट पूछेगी मुझे नहीं मालूम. और क्वेश्चंस क्या आएंगे इस बार? 5-5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे. आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस ऑफ 5-5 मार्क्स. अब पैटर्न कैसे रहेगा मुझे भी नहीं मालूम, इंस्टीट्यूट कोई बोलता भी नहीं है. पहली बार आपको डायरेक्ट दिखेगा, मेरे को भी उसके बाद ही समझेगा. मैं ये मेरा एस्टिमेट बोल रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ. वो जो BCL इंडस्ट्रीज मैंने बोला, मैं भी गलत हो सकता हूँ कि वो आगे जाके उनको इथेनॉल का प्रोडक्शन वो इंक्रीज ना कर पाए, कुछ भी. बट इन लाइफ आई वॉन्ट टू टेक सर्टन चांसेस, आई वॉन्ट टू लर्न, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट अ फेल्यूअर. सो ये अब BCL है, आई थिंक BCL विल डू वंडरफुली गुड बिकॉज दे हैव पुट अप द ह्यूज इथेनॉल प्लांट्स. दैट इज वॉट आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई विल ऑलवेज चेक द प्राइस एट विच आई एम बाइंग दैट पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट एक्सॉर्बिटेंट. एंड दैट इज वेयर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल हेल्प यू. कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो धंधा खरीदने के लिए, वो प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी आपके सिलेबस में. एक बार मेरे को P&L बैलेंस शीट से ग्रोथ क्या है वो समझा, कंपनी कैपिटल कहां पे लगा रही है वो समझा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है समझा. और ये रेशोज फॉर योर इन्फॉर्मेशन Schedule 3 में ऐड किए. 99% पब्लिक ऑफ आवर कोर्स डज नॉट नो ये जो रेशोज है. आप अब तक इंडिया में सिर्फ P&L बैलेंस शीट नोट्स दिए जाते थे. गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 से चेंज किया, उन्होंने डेट बाद में पोस्टपोन करके 2021 किया था. गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एवरी कंपनी इन इंडिया, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सारे कंपनीज को एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन करके एक बहुत बड़ा लिस्ट गवर्नमेंट ने ऐड किया. सब सिखाऊंगा तुमको, तुम्हारा पहला बैच होगा जो सीखेगा. 2021 इंस्टीट्यूट ने, मतलब गवर्नमेंट ने ऐड किया. थैंक यू इंस्टीट्यूट कि उन्होंने जल्दी आपके सिलेबस में ऐड किया. प्लीज 2-4 क्वेश्चन पूछना, बहुत मजा आएगा. क्यों, बहुत सारा बच्चा करेगा इसलिए, क्योंकि नया है ना वो, पुराने क्या होता है एज अ टीचर यू हैव टू अपडेट. कितने अपडेट होंगे मालूम नहीं. तो एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने लिस्ट बना के दिया, ये रेशोज आपको कैलकुलेट करके देना. रेशोज है, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, लीगल केसेस है, बहुत सारा ह्यूज लिस्ट है यार. चार लिस्ट ही 4 पेज का है, उसका डिस्क्लोजर करने गए तो 50 पेजेस हो जाएंगे. आपको तो लिस्ट समझना है, आपको कंसेप्ट क्या है समझना है. ये इंफॉर्मेशन आप इन्वेस्टर्स को दो, दैट इज वॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग. लेट द इन्वेस्टर्स, एटलीस्ट दोज हु हैव कैपेबिलिटी टू टेक वॉट डिसीजंस, वो डिसीजंस ले. तो अब इससे क्या समझा तुमको कि भाई जो तुम न्यूज आइटम पढ़ता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में तुमने अब ये न्यूज तुमने जब पढ़ा होगा, अगर मैंने कोई भी बैकग्राउंड तुमको नहीं बोला होता, तुम्हारे सामने या तुम्हारे वॉट, ये न्यूज कितने लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी? लास्ट मंथ आया था तब, हाउ मेनी हैड रीड इट? तुम्हारे इंस्टाग्राम पे नहीं आता क्या? आता है क्या इंस्टाग्राम पे ऐसा पॉलिटिकल, मतलब तुम अगर पॉलिटिकल कोई चैनल को फॉलो करता होगा तो उधर आए हुए ना BJP वाले चैनल से, ये न्यूज तो बहुत तुमने आगे लेके गए होगे. अन्नदाता है ना ऊर्जा दाता, क्या लाइन है यार. तुमने जब ये इसको पढ़ा होगा, तुमने कभी कॉन्टेक्स्ट लगाया नहीं होगा ऐसा, तुम अप्लाई ही नहीं करना चाहते उसको कि इसका इंपैक्ट क्या होगा. देर आर लॉट ऑफ न्यूज, रिलीजन वाला न्यूज छोड़ दिया, या बकवास टाइम पास वाला बॉलीवुड वाला, या क्रिकेट वाला, या यो 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 वाला न्यूज छोड़ दिया ना, तो बाकी बहुत सारा धंधे वाला न्यूज है वो सेंस करता है. आपको यू हैव टू जस्ट लर्न एन आर्ट of reading between the lines. It's not a science, it's an art. At some point of time in your life, I'm pretty sure with the content that you are learning, you will develop that art. You aapko develop karna hai. That is what my
objective is, or that is what the institute also expects. They cannot give you marks for it. थोड़े बहुत मार्क्स कम भी आ गए ना तो भी चलेगा, लेकिन आप वो उतना विजन भी ब्रॉडन अप कर लिया ना जिंदगी में बेटा, बहुत ज्यादा फायदा होगा. लाइक आई टोल्ड यू, गेव यू क्लासिक एग्जांपल इन द कॉस्टिंग. यू डू यू वांट टू जस्ट अर्न मनी विदाउट फोकस ऑन हेल्थ, विदाउट फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, विदाउट फोकस ऑन फ्रेंडशिप और अदर इश्यूज? चॉइस इज ऑल यूअर्स. आपको मार्केट में दोनों चीजें मिलेगी, दोनों चीजें मिलेगी मार्केट में. हर वेन एवर देर इज अ डिमांड देर इज अ सप्लाई. हर चीज का डिमांड भी रहेगा, हर चीज का सप्लाई भी रहेगा. आपके ऊपर है आपको किस चीज का डिमांड करना है और किस चीज के सप्लाई लेना है. इट इज अज्यूम दैट अ कंज्यूमर इज रैशनल. तो ये शेड्यूल थ्री में ऐसी ऐसी चीजें इंस्टीट्यूट ने रखी है. शेड्यूल थ्री में पी एंड एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलॉन्ग विथ व्हाट, नोट्स टू अकाउंट्स. एग्जाम के अंदर वो नोट्स टू अकाउंट तुमको नहीं पूछेगा क्योंकि आंसर बहुत बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा. नोट्स अकाउंट हम बनाएंगे बट बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. जो रियल फॉर्म में नोट्स अकाउंट होता है उसके मतलब कोई भी कंपनी आप एवरेज खोल के देखोगे तो 30-40 पेजेस तक जाता है. तो वो 30-40 पेजेस आपको तो एग्जाम में एक क्वेश्चन में तो पूछ नहीं सकते, आपको ब्रीफ में वो लिखने को बोलेंगे. बट इंस्टीट्यूट ने जब बुक में उनका जो नया स्टडी मटेरियल है, आई होप एवरी वन ऑफ यू आर रजिस्टर्ड फॉर द इंटरमीडिएट विद आईसीएआई. लास्ट डेट इज 31st of August. हैव यू पीपल रजिस्टर्ड विद आईसीएआई? बुक्स वगैरह ऑर्डर किए तुम लोगों ने? वहां पर ऑर्डर आईसीए का वेबसाइट है, सीडीएस को कुछ तो सीडीएस कुरियर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, ऐसा कुछ तो है वेबसाइट पोर्टल है उनका. तो प्लीज रजिस्टर फॉर द सीए कोर्स विद द इंस्टीट्यूट इन केस यू आर डिसाइडेड टू डू सीए और कंटिन्यू डूइंग सीए. 31 अगस्त आखिरी तारीख है, मुहूर्त मत ढूंढना, जल्दी रजिस्टर करके बुक आ जाएंगे. आईसीए के मॉड्यूल आपको रेफर करने ही है, मतलब ऑप्शन नहीं है वहां पर क्या दिया, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज अ बाइबल, भगवद गीता, कुरान फॉर अस, सोर्सेज आई से. तो ऐसे ने मटेरियल में उन्होंने बहुत सारी चीजें ये शेड्यूल थ्री के ऊपर लिखी है. तो आपको ये शेड्यूल थ्री है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम सबसे पहले सीखेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना बच्चों, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इफेक्ट कहां कहां जाएगा? इफेक्ट कैन बी ऑन इनकम, इफेक्ट कैन बी ऑन एक्सपेंस, इफेक्ट कैन बी ऑन असेट और लाइबिलिटी. एंड मेनी स्टैंडर्ड्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी. दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन थिंग, डिस्क्लोजर. इन्वेस्टर्स को इतना इंफॉर्मेशन दो कि वो डिसीजन लेने के लिए केपेबल बने. बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है जिसमें जर्नल एंट्री नहीं आएगा, पूरा स्टैंडर्ड है कोई जर्नल एंट्री नहीं है. हम बोलेंगे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जर्नल एंट्री नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है ना. सारा पब्लिक को लगता है अकाउंटिंग मीन्स जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस. ये तुम्हारा दिमाग से निकाल दो. अकाउंटिंग मैंने आपको, अगर तुम फाउंडेशन में थे तो मैं तुमको एक मंत्र बोला था, आरएमडी. कितने लोगों को याद है आरएमडी? रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल नहीं है, गुटका है वो, मतलब उन्होंने गुटका बनाया था. आरएमडी ब्रांड से बिकता है मेरे हिसाब से, तेरे उधर का इच्छा बिकता होगा, संगम नेर का है ना वो. सो आरएमडी मतलब क्या? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर. इन ऑर्डर टू डू अकाउंटिंग ऑफ समथिंग यू फर्स्ट नीड टू डू मेजरमेंट इन मनी टर्म्स. तो हमारे सारा सिलेबस ये तीन शब्दों पे घूमते रहेगा, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तीन में से किसी ना किसी एरिया को या दो एरिया को टच करेंगे या तीनों एरिया को टच करेंगे. पहला एरिया क्या बोला मेरे बच्चों? अरे रिस्पॉन्स दो ना यार, रिकॉग्निशन है पहले. वो आरएमडी मैंने वो याद रखने मेमोरी टेक्निक मसल ऐड करने के लिए बोला. यू कैनॉट डू रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इज अकाउंटिंग. यू कैनॉट डू एन अकाउंटिंग एंट्री और यू कैनॉट रिकॉग्नाइज इनकम और एक्सपेंस और असेट और liability unless until you have measured it in money terms. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? measurement करना पड़ेगा. M is for what? measurement. measure करो amount को in money terms. फिर उसका क्या कर लो आप? recognition करो. किस चीज में recognition करोगे आप? books of accounts में. recognition क्या होगा? either income या एक्सपेंस. चार ही चीजें रहती है अपने पास, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी. और पांचवा चीज बोलना चाहूं, असेट लायबिलिटी का डिफरेंस कैपिटल, बट थोड़ा फैंसी वर्ड यूज करेंगे, इक्विटी. क्या बोलेंगे? इक्विटी. सो कोई भी आइटम है उसका इंपैक्ट आएगा इक्विटी के ऊपर या असेट लायबिलिटी के ऊपर, रिकॉग्नाइज करो. और फाइनली जाके आपको उसका क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. समझा तुमको? सो देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच आर नॉट टॉकिंग एट ऑल अबाउट मेजरमेंट, व्हिच आर नॉट टॉकिंग अबाउट
हाउ टू रिकॉग्नाइज, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर. जो अभी अभी मैंने AS-17 बोला आपको, सेगमेंट रिपोर्ट वाला, वो क्या था? अकाउंटिंग कुछ नहीं उसमें, कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कोई P&L बैलेंस शीट का इंपैक्ट नहीं है. वो सिर्फ क्या है? डिस्क्लोजर है नोट्स टू अकाउंट में, ताकि लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे, लोग रीजनेबल बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करें. ठीक है, तो शेड्यूल 3 में आपको ये नोट्स टू अकाउंट, ये डिस्क्लोजर्स, ये भी करने हैं. उसके बाद आएगा तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये शेड्यूल 3 में तुम क्या सीखेगा बच्चों? इधर तुम P&L सीखेगा, बैलेंस शीट सीखेगा, और क्या सीखेगा? नोट्स टू अकाउंट सीखेगा. समझा? लेकिन P&L बैलेंस शीट क्या मैं मैन्युपुलेट कर सकता हूं? हां, बहुत अच्छे से मैन्युपुलेट कर सकता हूं. मैं आपको रियल लाइफ के इतने सारे एग्जांपल दूंगा. हाउ मेनी हैड वॉच्ड स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम? स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, दो ही बच्चों ने देखा था. आज ये जाके डॉक्यूमेंट्री देखना, पहला दिन है एनरॉन का अकाउंटिंग का फ्रॉड के ऊपर. आपको 5% समझेगा आज, अगली बार जब देखोगे 10% या 50% समझेगा. दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड है ये. नॉवेल है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया हुआ. नॉवेल तो आपको मतलब इंटरेस्ट डेवलप करने का बहुत टाइम जाएगा, और आपको ऐसे फ्रॉड्स के ऊपर नॉवेल चाहिए तो हॉवर्ड शिग्लिट्स करके एक बंदा है, अमेजिंग बुक ऑन अकाउंटिंग फ्रॉड, यू शुड रीड इन द CA फाइनल, अकाउंटिंग शेनानिगन्स. बट अभी आपका लेवल उतना नहीं है, बट आज अभी यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री आपको पक्का मिलेगा. वो अपना एकतुम का वो टेलीग्राम चैनल तुम्हारा बैच का बोला ना एकतुम को? बोला कि नहीं बोला? हाँ, स्मार्ट बाइट्स नहीं रे, वो फॉर्मल तुम्हारा May 24 के बैच का. सो लिसन अप. ये तुम्हारे टेलीग्राम पे मैं लिंक उसका भेज दूंगा, t.me/EKAT. लेट मी ऑल्सो ज्वाइन, मैं भी ज्वाइन नहीं किया, स्टाफ ने मुझे लिंक भेजा है सिर्फ. VAM_ केस सेंसिटिव रहता है, Inter M Capital 24. आराम से ज्वाइन करना, अभी फोन नहीं है तो भी ठीक है, अभी पॉसिबल है तो ज्वाइन करना. HTTPS. तो टेलीग्राम का एक ग्रुप है तुम्हारे बैच का. अच्छा बच्चे कैसे ज्वाइन हो गए रे? किसने लिंक दिया था? जितिन सर ने कहाँ पे दिया था? अच्छा फाउंडेशन के ग्रुप पे दिया था तुमको. अच्छा ठीक है, जो बच्चे एकत्व में ऑलरेडी फाउंडेशन के थे उनको मिला होगा, जिनको नहीं है ये यहाँ पर है लिंक, आप टाइप करना, या आप पब्लिक ग्रुप सर्च भी हो सकता है, एकत्वम इंटर May 24. अगर सर्च वो सर्चेबल रखा है कि नहीं उसने मालूम नहीं मुझे, एकत्वम स्पेस. बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, आराम से ज्वाइन होना, इवन इफ यू ज्वाइन लेट यू विल गेट द अर्लियर पोस्ट. तो आज क्या करना, आप ये स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम करके एक बुक है, बुक तो मत पढ़ना, अभी बुक पढ़ना है तो उसका बाप बुक है, इससे बहुत खतरनाक बुक है, हॉवर्ड शिग्लिट्स करके नाम है उसका ऑथर का, अकाउंटिंग शेनानिगन्स CA फाइनल या मे बी आफ्टर CA. तो मैं अभी आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्री भेज रहा हूं, आपके टाइप का कंटेंट है, तो लेट मी जस्ट शेयर विथ यू. स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, लेट मी जस्ट सर्च ओरिजिनल वन, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे डुप्लीकेट कंटेंट भी मिलेंगे तुमको. हाँ, दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रॉड. ये पूरा डॉक्यूमेंट्री है, आई एम शेयरिंग इट ऑन योर. मैं आया कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे है क्या मैं? हाँ है, मेरे को शेयर करना अलाउड है क्या? हाँ है, मैंने आपके ग्रुप पे वो लिंक दे दिया है, या आप भी गूगल सर्च करके देख सकते हो, या यूट्यूब सर्च करके बाद में देखना, बाद में आराम से शांति घर पे आके देखना, बहुत सारे लोग उसमें सो जाएगा. वैसे लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री बोलने का भी जरूरत नहीं है, मेरा लेक्चर देखो कैसे ये सो रहा था, उधर आइटम ये आइटम सो रहा था, उधर वो पीछे वाला आइटम सो रहा था. अगर तुम्हारे उम्र में ये चीजें मेरे को किसी टीचर ने सिखाई होती ना बेटा,
मैं पागल होता था ऐसे कंटेंट के लिए। इतना बड़ा विजन तुमको दिखा रहा हूं और साला अपना चिल्लर आदमी क्यों, उसको चाहिए सॉल्विंग। कौन सी चीज तुम लोगों को एक्साइट करेगा मालूम है? 17-18 साल के तुम बच्चे हो, रात का समय सोने के लिए होता है बेटा, सोते जाओ। सॉरी मत बोलना, पहला दिन है, तुम्हें भी तेरे को बहुत प्यार से बोला आज, अगली बार प्यार इतना दिखेगा ना कि तू रोने लगेगा। मतलब बच्चों आई कैन सी, आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हो, आई अंडरस्टैंड यार, बट व्हाट इट मैटर्स ना आपको, तुमको अगर ये कंटेंट तुम्हारे जनरेशन को नहीं चाहिए, तुमको क्या लगता है ये कंटेंट मैं नहीं बोला तो मेरा एडमिशन और बढ़ेगा? क्यों, घटिया घटिया बोलेगा, जल्दी जल्दी खत्म करेगा, तुमको रैंक में लाएगा? अरे बेटा जिंदगी इज, जिस स्टेज पे आके पहुंचा हूं ना मैं तुमको वही बोल रहा हूं, आई हैव अंडरस्टूड द वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड इन माय लाइफ, आई रिमेंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अ माइक्रो फेलो। माइक्रो छोटी 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 चिल्लर चीजों पे फोकस करते हैं हम अकाउंटेंट लोग। अकाउंटेंट नहीं बनना है, विजन बड़ा करो, उसके साथ अकाउंटिंग करो ना। मैं आपको सिलेबस सारे सारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम पागल कर दूंगा क्वेश्चन सॉल्व कर, तुम भी बोर हो जाएगा, तुम बोलेगा अरे बंद करो ना यार, इतना कहीं को क्वेश्चन कर रहे हो, करना पड़ता है वो मार्केट एनालिसिस करके। बट आप ये चीजों को जब अप्लाई करना सीखोगे ना यार, आपको समझ में आएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्री एंड में आपको सुसाइड पे लेके जाएगी, आपको नहीं मतलब डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक जो है एंड में सुसाइड पे लेके जाता है, हाउ मच इम्पैक्ट इट हैज ऑन लाइफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको लग रहा है ना बहुत सारे लोग टेररिज्म से मर रहे हैं, नहीं, मेजॉरिटी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर गेटिंग किल्ड बिकॉज ऑफ रॉन्ग फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एन नंबर ऑफ बिजनेसेस। आगे जाके कहीं एंड पे जाके या इंटर का एग्जाम देने के बाद प्लीज रीड एन नंबर ऑफ बुक्स ऑन ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। ये मूवमेंट होता है, लोग मर, आपको लग रहा है ना ये लोग मरते हैं टेररिज्म वगैरह से, आपको मैं फाइनेंशियल डिसीजन से रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से कितने लोग मरते हैं उसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इंडिया में जो फार्मर्स के सुसाइड हुए थे कॉटन की वजह से, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट द कॉटन प्राइसेस, इट वाज़ बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉलोड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स व्हाई फार्मर्स इन विदर्भा गॉट डिड अ सुसाइड, फार्मर्स इन केनिया डिड और अफ्रीका डिड अ सुसाइड। आपको ये इश्यूज और आपका ये कॉन्टेक्स्ट धीरे धीरे चीजें समझ लगे। मैं आपको एक न्यूज आइटम बोला सिर्फ, आईटीसी का एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बीसीएल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दिया, ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहेंगे, चुटकुले 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 एग्जाम्पल मैं आपको बोलते रहूंगा। आपके ऊपर है इनको नोटिंग करना है, आपके ऊपर इनका ग्रास करना, और आपका दिमाग धीरे धीरे शार्प होएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारी चीजें जो कॉन्टेक्स्ट में चाहिए वो कॉन्टेक्स्ट में समझेगी, इट्स ओके यार, इट्स एब्सोल्युटली ओके। सो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है मैं तुमको बोलूं। तुमको अगर फ्रॉडुलेंट कंपनी एंड गुड कंपनी आइडेंटिफाई करना है, दिस इज गोना बी द की। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ इन्वेस्टर, वेन एवर आई इन्वेस्ट आई डू नॉट गिव टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू पी एंड एल बैलेंस शीट, आई लुक मोर फॉर समथिंग कॉल्ड एज फ्री कैश फ्लो। ये मैं आपको एफएम में जाके सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उसका बेस पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज करके ही मैं एक कंसेप्ट निकालूंगा फ्री कैश फ्लो। जितने भी टॉप नॉच लोग हैं वो अकाउंटिंग को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं धंधे में कितना फ्री कैश फ्लो है, नेट प्रॉफिट नहीं देखते हैं। नेट प्रॉफिट रहने दो, क्योंकि नेट प्रॉफिट डज नॉट रिवील द ट्रू थिंग्स, नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय फॉलोइंग और बाय चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। अदानी ग्रीन्स करके एक कंपनी है, कोविड के अंदर जस्ट प्रायर टू कोविड दे चेंज देयर अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड कंपनी विच वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी बिकेम अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एंड द शेयर प्राइस आर पब्लिक, ओ माय गॉड प्रॉफिट प्रॉफिट, पागल करके वर्टिकल गए। अदानी जी के जो भी शेयर गिरे वो जनवरी 2023 में गिरे, अगस्त 2022 इसी डायस से फर्स्ट लेक्चर था पिछले इंटर में 23 बैच का, उन बैच को पूछ के देखो, इसी टाइम पे शाम का टाइम था 7:30 बजे का, यूट्यूब का लिंक भी था, आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल, तुमको दिखाया भी था। 6 महीने पहले मैंने बोला था अदानी के जो भी शेयर है सबसे सब गिरने वाले हैं, यूट्यूब पे आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। व्हाई, देयर इज अ फाइनेंस, देयर इज सम बेसिक्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट मैचिंग अप। हिंडनबर्ग ने तो बहुत ज्यादा रिसर्च कर लिया यार, बहुत ज्यादा रिसर्च कर लिया है।
यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल है। कुछ नहीं, आई एम नॉट अक्यूजिंग मिस्टर अदानी ऑफ डूइंग एनी फ्रॉड, इट इज जस्ट पब्लिक विच वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक वॉज जस्ट बाइंग द शेयर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वॉज गोइंग ऑन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते नहीं, यूट्यूब वगैरह देख के करता, और उसमें साला अनफॉर्चुनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी है यार। मेरे 5 दोस्त थे पिछले 3 महीने से, मतलब घर में ऐसी पूरी तरीके से कंडीशन है, लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपया लूज कर चुके। पुणे में एक राठौड़ करके बंदा है, 700 करोड़ रुपया लेके गायब किया है, उसमें बहुत सारे सी है। मेरे दोस्त सिर्फ 4 ही है, उनका 5 करोड़ गया। जस्ट पागल जैसे कुछ समझा नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कुछ अकल नहीं समझने की, सीए है लेकिन पैसा भी कमाए प्रैक्टिस से। अरे किए क्या, तुम दुनिया को एडवाइस देने आए और खुद चले। आप सर्च कर लो गूगल पे, आपको मिल जाएगा राठौड़ पुणे फ्रॉड 700 करोड़। अब सीए होके भी आदमी को समझा नहीं यार, क्योंकि फाइनेंशियल, मैंने आपको लाइन बोला ना, शकीरा ने क्या बोला, हिप्स डोंट लाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू लाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा ये मेजरली P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन ऑल्सो लाई, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ऑल नहीं, बट ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जो आपको गारंटीड बोलेगा ये फ्रॉड है ही नहीं, ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आज तक ना बना है ना बनेगा। क्योंकि कुछ तो इस फाइनेंस जो है ना बच्चों, ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है, और आर्ट बहुत कम लोगों को आती है, आर्ट बहुत कम लोगों को आती है। वो आर्ट आपको सीखना है, आप उसको साइंस के तरीके से नहीं सीख सकते। देर आर सर्टन थिंग्स विच आर जजमेंटल, विच आर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेट करने का, लेकिन ये जो P&L बैलेंस शीट है वो एक्रुअल बेसिस पे हम बनाते हैं। क्या बेसिस पे, एक्रुअल। आपने फाउंडेशन में 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सीखे होंगे। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 3 बेसिक अजम्पशन है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखे हुए है। क्या लिखे है, गोइंग कंसर्न, एक्रुअल एंड कंसिस्टेंसी। क्या क्या डाउट पूछ रहे हैं यार एडमिशन का, कोई स्टाफ अगर लेक्चर देख रहा है यार, तुम थोड़ा बेसिक हो, जो कमेंट आ रहा है उनको रिप्लाई करो ना, नमन अक्षय जरा थोड़ा देखो ना यार, वो जो भी ऑनलाइन देख रहे होगे, हो अटेंड कर रहे होगे तो देखो ना जरा, ऑफिस में कोई भी देख रहा है तो उनको बोलो यार, जो एडमिशन वाला डाउट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउट्स, वो रिप्लाई करो यार तुम लोग। क्या बोल रहा था मैं, हाँ अक्रूवल, बीच में फ्लो डिस्टर्ब करते हैं यार। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या नाम है उनके, अक्रूअल। अक्रूअल क्या बोलता है, अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन एक्सपेंडिचर इज अक्रूड, नॉट व्हेन इट इज पेड। अब कौन सा एक्सपेंडिचर कब अक्रू होता है, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, यू विल लर्न फॉर अ रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट अक्रूज विद टाइम। मैंने एक लोन लिया आज 5 लाख का, मैंने बोला 10 लाख रुपया वापस करूंगा 10 साल बाद, उसके बीच में कुछ पूछने का नहीं। आज मैंने कितना लोन लिया, 5, 10 साल बाद मैं कितना वापस करने वाला हूं, 10 लाख, डबल होएगा फॉर एग्जांपल। तो 5 लाख डिफरेंस जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है। विल आई पास एंट्री ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम टूडे, नो, आई हैव टू अक्रू इंटरेस्ट एवरी ईयर। एज अ कंपनी आई हैव टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर, जो जिसने पैसा मतलब बोरो किया वो एक्सपेंडिचर बुक करेगा, जिसने लेंड किया वो इनकम बुक करेगा। इट्स लाइक मैंने 5 लाख का FD किया और मेरे को 10 लाख रुपया मिलने वाला है 10 साल बाद या 5 साल बाद 3 साल बाद, जो भी ले लो। तो जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट यू कैनॉट रिकॉर्ड इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच यू रिसीव इट और इन द ईयर इन विच यू पे इट। यू हैव टू रिकॉर्ड दैट इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर्स। कुछ समझा क्या, यू हैव टू रिकॉर्ड एन एक्सपेंडिचर ओवर द years on accrual basis। ऐसे इंटरेस्ट है, वैसे सेम रेवेन्यू के लिए हम फॉलो करते हैं, इनकम के लिए फॉलो करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं, लाइक ग्रेचुइटी देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, वो कब देते रहे प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट के टाइम पे। ग्रेचुइटी कब देते, रिटायरमेंट या जॉब जब छोड़ के जाओगे तब देंगे ना हम, प्रोवाइडेड यू आर डन द रीजनेबल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। ग्रेचुइटी के लिए 5 ईयर्स है, प्रोविडेंट फंड के लिए ईयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
पेमेंट होता है, लेकिन शुड आई बुक द एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रेच्युटी व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्स? ले मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं कौन हूं? विजय शेखर शर्मा। तुम कौन हो? पेटीएम के एम्प्लॉयज। मैं तुमको सैलरी दे रहा हूं मंथली बेसिस पे, तो चलो तो अकाउंट करेंगे हम, लेकिन मैं तुमको ग्रेच्युटी भी दूंगा, नहीं देना पड़ता है। ग्रेच्युटी इज पेड अंडर टाइम ऑफ रिटायरमेंट अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का एक लॉ है, सेक्शन 10 है, उसके अंदर आपको देना पड़ता है ग्रेच्युटी। तो मेरे को ग्रेच्युटी देना है, कब दूंगा मैं ग्रेच्युटी? तुम रिटायर होगे तब। मालूम है क्या मेरे को तुम कब रिटायर होगे एग्जैक्टली, या कब तुम मरोगे? क्योंकि मरने के बाद भी देना पड़ता। या कब तुम जॉब छोड़ के जाओगे एग्जैक्टली? मैं बोल सकता हूं क्या ये आज से 3 साल बाद जॉब छोड़ चुका जाएगा या 6 साल के बाद? नहीं ना। तो मुझे एस्टिमेट करना पड़ता है। एस्टिमेट करके क्या करूंगा मैं? ग्रेच्युटी का अकाउंटिंग करूंगा। अक्रूअल में बहुत सारी चीजें आपको एस्टिमेट करके अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एग्जैक्ट अकाउंटिंग नहीं हो सकता। एक सिंपल एग्जांपल हो, मैंने माल बेचा 5 करोड़ का क्रेडिट बेसिस पे, उसमें कुछ लोग नीरव मोदी जी के जैसे हो सकते हैं कि नहीं? विजय मल्ल्या जी के जैसे हो सकते हैं कि नहीं? क्या करेंगे वो? डिफॉल्ट करेंगे। तो मेरे को बैड डेट्स होएगा कि नहीं? शुड आई रिकॉर्ड अ बैड डेट एज अ लॉस इन द ईयर इन विच बैड डेट हैपेंस और द ईयर इन विच सेल्स हैपेंस? सेल्स, क्योंकि एस्टिमेट करूंगा मैं, क्योंकि 1 साल में सेल, इनकम इन 1 ईयर, एक्सपेंडिचर आफ्टर 4 ईयर्स, मैचिंग नहीं होएगा ना। हम अकाउंटिंग में अक्रूअल की वजह से मैचिंग करते हैं। क्या करते हैं? किस चीज का मैचिंग करते हैं? शर्ट और ट्राउजर, फिर इनकम एंड इनकम 1 साल में, एक्सपेंडिचर 2 साल में, और तुम प्रॉफिट 3 साल में निकल रहा है। इट्स लाइक टेकिंग अ जीडीपी ऑफ इंडिया डिवाइडिंग बाय पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान गेटिंग पर कैपिटल जीडीपी ऑफ बांग्लादेश। चलेगा क्या? तो मैंने अगर सेल करंट ईयर में बुक किया, 2023-24 में सेल बुक किया, तो उसके रिलेटेड जो भी खर्चा है वो भी उसी साल में बुक होना चाहिए ना। अब मालूम नहीं मेरे को एग्जैक्टली कितना बैड डेट होगा। मालूम है क्या? नहीं मालूम तो क्या? एस्टिमेट कर लो। एस्टिमेट करके हम क्या करेंगे? P&L में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसको आपने 11वीं में RDD बोला था। ऐसा कंसेप्ट होता ही नहीं, बट दैट इज हाउ ग्रेट आवर एजुकेशन सिस्टम इज। बहुत कम टीचर हो गए जिन्होंने बोला होगा तुमको, अगर तुम्हारे टीचर ने तुमको 11वीं में बोला था RDD नहीं, इसको प्रोविजन बोलते, तो टीचर अच्छा था तुम्हारा। डिपेंड्स, डोंट टेक नेम्स। सो इट इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ प्रोविजन फॉर वॉट? बैड एंड डाउटफुल डेट। तो करंट ईयर में सेल हो गया तो करंट ईयर में मैं बुक करूंगा। मतलब क्या? मतलब मैचिंग कर रहा हूं, अक्रूअल कर रहा हूं। हर एक एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर आपको अक्रूअल करना पड़ता है। सो अकाउंटिंग क्या बोलता बोलो ऑन योर स्क्रीन? चलो तो बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहेंगे तो सोएंगे नहीं। क्या करना पड़ता ना? हाँ, वी मेक चार्ट्स इन द क्लास, कलरफुल नहीं, ऑन स्क्रीन। चलो ऑन योर स्क्रीन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। जो नहीं करेगा ना उधर आके मारेगा हले, इधर आके डांस करने बोलेगा तेरे को। ए, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ऐसे दो रन ऐसे है, वो अपने ऐसे करके बैठा है। पीटी का क्लास नहीं है, मैं नहीं कर सकता ज्यादा ऊपर, अपना पेट बाहर आएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ब्रैकेट AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नाम है उसका। 3 बच्चे, अक्रूअल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। अक्रूअल, अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस व्हेन दे आर अक्रूड एंड इनकम व्हेन इट इज अक्रूड, नॉट व्हेन इट इज पेड, नॉट व्हेन इट इज रिसीव्ड। डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट इज रिलेवेंट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट फॉर व्हाट? P&L, नॉट फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट P&L इज ऑन व्हाट बेसिस? कैश फ्लो इज। इसके ऊपर मैं तुमको एक फ्रॉड बोलेगा, उस स्कूल का स्टूडेंट भी हो सकता है तुम, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, हो सकता है कुछ। अक्रूअल, दूसरा क्या है? गोइंग कंसर्न। फ्रॉड, फ्रॉड पहले बोलता, चलो अक्रूअल समझा। राजेश भाटिया, भाटिया सर ने मेरे को याद है, पहला राजेश या राकेश, वो मेरे को इतना चेक कर रहे, ट्री हाउस प्रमोटर राजेश था या राकेश था, जो भी, मिस्टर भाटिया, आपने कभी सुना है कि स्कूल में आपको एडमिशन मिला विदाउट पेमेंट ऑफ फीस? रितेश, राजेश या रितेश,
ट्री हाउस स्कूल का प्रमोटर राजेश ना, सही बोला था मैंने? बादाम खाता हूं हर रोज, ठीक है जो भी है, अपने को पर्सन से मैं इंटरेस्टेड, ऑब्वियसली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन, वी आर डिस्कसिंग इट फॉर एजुकेशन पर्पजेस, मतलब एज ए इंडिविजुअल यू मस्ट बी गुड, वॉट एवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द इंडिविजुअल, वेन एवर आई डिस्कस इंडिविजुअल्स आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, आई डू नॉट बिलीव इन अ हेट्रेड, आई डू नॉट बिलीव इन अ वायलेंस, आई डू नॉट बिलीव इन अ गाली गलौज, इट इज बेसिक, मतलब जब मैं इंडिविजुअल का किसी का नाम लेता हूं मैं गडकरी जी के अगेंस्ट नहीं हूं ना, मैं वो पर यहां पे पॉलिटिक्स वगैरह कोई इंटरेस्ट नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मिस्टर भाटिया ट्री हाउस स्कूल करके एक स्कूल से अभी भी चलते हैं, इनके बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा अमाउंट के डेटर्स थे, क्या निकले? डेटर्स है, डेटर्स, आप सोचो जरा, स्कूल के बैलेंस शीट में डेटर्स मतलब क्या? क्रेडिट सेल, मतलब तुमको सिखाया, या उन्होंने स्कूल ने बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह बेचे थे, इट इज नॉट जस्ट अ स्टूडेंट, वो सॉफ्टवेयर भी बेचे थे, स्मार्ट स्कूल्स बनाते थे, तो वो दे दिया लेकिन पैसा कलेक्ट नहीं किया। एजुकेशन सेक्टर में जनरली क्रेडिट बेसिस पे ऐसी कोई सर्विसेज कोई देता नहीं है, एक तो में आप पूरा आप बोलते नहीं ना, पूरा बैच खत्म होने के बाद हम पैसा देंगे, तब तक डेमो देखेंगे, दरवाजा उधर है निकलो बाहर, होएगा क्या? दो चार दिन तुम्हारा डेमो वाला पब्लिक है वो चल रहा है ठीक है, तुमको ऐसा पूरा सर्विस, पूरा तुमने डिग्री कंप्लीट किया या सब कुछ किया उसके बाद पे करता चलेगा क्या? नहीं, जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको हम सपोर्ट करेगा 100% करेगा, लेकिन सबको एवरीवन नहीं नहीं तुम सीए बनो उसके बाद पैसा दो, तुमने कभी सुना ऐसा एजुकेशन सेक्टर में? ये कंपनी के बैलेंस शीट में 180-200 करोड़ के डेटर्स थे, डेटर्स है हाँ कहां से आए भगवान जाने, लेकिन आप एक चीज सोचो, वो डेटर की वजह से क्या हुआ? डेटर आया कैसे, तुम आया कैसे? डेटर कहां से है? सेल्स की वजह से। डेटर आया कहां से? सेल्स बुक करने के बाद ही डेटर होगा ना। कैन यू बुक अ, कैन यू हैव डेटर विदाउट, कैन यू हैव किड विदाउट मैरिज? नो। यस, अच्छा आजकल का जनरेशन है यार, हार्दिक पंड्या के, हार्दिक पंड्या जी के फैन हो गए तुम लोग, अच्छा आदमी है, अच्छा क्रिकेट खेलता है। कैन यू लीगली हैव किड विदाउट मैरिज? ओके छोड़ दो एकदम। कैन यू हैव डेटर विदाउट सेल्स? नो, पंडा जी वगैरह भूल जाओ यार। ये कंपनी ने चमत्कार किया, लेकिन डेटर विदाउट सेल्स दिखाता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुमको लग रहा है अगर मैं झूठ बोल रहा तो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट में सब ये ढूंढेंगे कैसे। ट्री हा मिल गया अभी, बहुत कौन सा 2019 के बैच में सिखाया था, ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, ये पीएनएल है, हाँ ये देखो पीएनएल देखो पहले, ये है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फॉर्मेट आपके सिलेबस में है पूरा, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है ये, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, अभी ये लॉस वाला ईयर था, उसके पहले के प्रॉफिट वाले ईयर देख, हम थोड़ा पिछले वाले एनुअल रिपोर्ट में जाते हैं, ये लॉस वाला बाद में बताया मैंने बच्चों, प्रॉफिट वाले ईयर में जाते ना हम, ये प्राइवेटली नहीं लिस्टेड कंपनी है, सब कुछ स्टॉक, मैं कुछ भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा हूं तुमको, सब कुछ कच्चा चिट्ठा दिखाता हूं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्कूल्स एमपीओ रहते हैं, आहो ये फाउंडेशन पास हो क्या आया, एनपीओ के एग्जांपल में स्कूल्स था बेटा, ये कोई प्री प्राइमरी स्कूल ट्रस्ट के फॉर्म में जो रहते वो एनपीओ रहते, सारे के सारे स्कूल्स को प्राइवेट मतलब एनपीओ रहना जरूरी नहीं है, दिस इज अ कंपनी विच इज नॉट रनिंग अ स्कूल, दिस इज अ कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंपनीज विच आर रनिंग स्कूल्स, है ये एनपीओ नहीं है, सुन ले 2015 घनो चोको घनो बड्डो प्रॉफिट, प्रॉफिट दिख रहा है क्या तुमको ये यार, दिख रहा है क्या प्रॉफिट, कितनो बड्डो प्रॉफिट है रे, 84.73 करोड़ एक साल के अंदर, अबे क्या हो गया यार, प्रॉफिट देख के डर गया क्या आईपैड, हैंग हो गया ऐप, इट्स बेसिकली नया आईपैड नहीं रहे अपना, पैसा नहीं मेरे पास, तुमने क्या पैसा दिया मुझे, तुम डेमो देख रहा है, तुमने पैसा दिया नहीं ना ऐसा कुछ नहीं है, डेमो मैं सिर्फ डेमो वाला पब्लिक जो है मैं ऐसे उड़ाते रहता हूँ, ये देखो डेमो देखो मेरे को आता है कि नहीं, देखो जज नहीं करेंगे, इट्स नॉट
it's not the students who are bad. It's basically, as a teacher, I can make you, I can destroy you. I can change your entire thinking the way I want. Because unfortunately, at your age, you tend to believe. And I can exploit you. I as in community. So, dekho. 84 point what? 73 crore ka profit. Dekha tumne? Agle saal kitna profit? 16 crore ka profit. Jara hum cash flow statement mein jaate hai. Jis saal mein 84 crore ka profit kamaya sasure ne, us saal mein cash generated from operations. Ye calculate kaise karoge? Aap seekhoge? Kahan pe seekhoge? AS3, accounting standard 3. Cash generated de kitna hai? 59 crore 1 lakh 64 thousand. Kitna hai? 59 crore. Saala, tune agar 83 crore ka profit dikhaya, to idhar itna kam cash kaise hai? Aur agle saal mein tusne 16 crore ka upar profit dikhaya tha na? 2016 mein. Dekho na P&L mein upar. Ye tumko cash flow, idhar profit hai na? Dekh raha na profit tumko? Ye dekho profit, profit. कैसे अरे रिकॉर्ड कुछ तो चालू हो गया यार. ये ऐप नया अभी जस्ट नया नया आया है. ऐप बहुत परेशान कर रहा है मेरे को. किधर गया मार्कर? शिट कुछ तो हो गया. अरे कलर बदलना. अच्छा इधर गया क्या? हाँ एक सेकंड रुको. अरे वो उसने ऐप मेरे को नया ढूंढना है. मार्कर चाहिए मेरे को. हाँ आ गया. ये देखो मार्कर क्या ये? प्रॉफिट ग्रीन कलर. कलर्स वी हैव 16.23 क्रोर्स. ईयर कौन सा है? 2016. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15-16 ट्री हाउस के एन्युअल रिपोर्ट में. नीचे आ जा बेटा. क्या है ये? कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी. जो सीबीएसई वाला बच्चा है उसने सीखा होगा. कितना सीबीएसई वाला लोग है इधर? हाँ. अब तुमने कैसा याद रखा होगा फॉर्मेट? मस्त पाई की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट्स वगैरह. देखो स्टेट बोर्ड में था. स्टेट बोर्ड का लेवल इतना बढ़ गया? ओला तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख के आया? दो क्वेश्चन पूछू? देखो इधर क्या लिखा है. नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम. आईपैड का प्रॉब्लम नहीं है. वो फाइल साइज गूगल पे अभी मैं अभी डायरेक्ट जूम करके दिखाता हूं. मैं कुछ मार्किंग वर्किंग नहीं करता. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. देखो बच्चों क्या ये कैश जनरेटेड इज व्हाट? निगेटिव 12,58,07,000. साला ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा है 16 करोड़ का और नीचे दिखा रहा है प्रॉफिट है. मतलब कैश आना चाहिए या कैश जाना चाहिए? कितने होशियार हो रहे तुम. 16 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और नीचे दिखा रहा है 12 करोड़ का कैश गया. कैसे? हाउ? मैजिक. मैजिक वॉज डेटर्स इन द बैलेंस शीट. वो आपको समझना होता है. इधर डेटर्स में इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर्स ये क्या रहता है वो तुमको उस चैप्टर में समझेगा. वो मैजिक था उधर. ये आपको मैजिक में वापस बताऊंगा. और अभी तुमको लग रहा है सर क्या चाहते तुम पुराना कंपनी दिख रहा है. आज का कंपनी चाहिए तो वो भी दिखाऊंगा तुमको उस टाइम. अभी नहीं. आज का कंपनी बोला तो कैसा वो लोग उस चैप्टर में यूज करेगा ना उसको. ये पुराना कंपनी यूज करने दो लोगों को. अभी ये एग्जाम्पल मैं पहले बहुत बार दिया है तो कुछ लोग दे देंगे. तुम्हारे बैच में मैं तुमको जब सिखाऊंगा तब अलग एग्जांपल दूंगा ना तुमको. बहुत सारे रहते ढूंढने के कैसे वो भी सिखाऊंगा तुमको. कभी ना कभी वो कौन से लेक्चर में आएगा तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा. और अलग अलग लेक्चर में अलग अलग पॉइंट्स ऐसे करूंगा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुमको सिखाएंगे. देखो तो क्या समझा तुमको? कंपनी ने क्या बनाया? इन्वेस्टर को मामू बनाया. कैसे मामू बनाया देखने का तुमको. हम स्क्रीनर पे आते हैं. अब देखो शॉक लगेगा. कितने ओल्ड का रहते रहे वो शॉक? 440 वोल्ट का शॉक लगेगा.
ट्री हाउस एजुकेशन एंड एक्सेसरीज, तो ये एक्सेसरीज सप्लाई करता है, स्कूल नहीं है। ये है इसके शेयर प्राइस का ग्राफ मैक्सिमम पीरियड का। ससुरा 2011 में चल रहा था मात्र 120 रुपया पर शेयर, 2011। जैसे जैसे ये प्रॉफिट दिखा रहा था 2015 तक, देखो 2015 के जब जैसे प्रॉफिट आ रहे थे, तब तक कहां पे जाके पहुंचा ससुरा, 463, चार गुना इन 4 years। तुम्हारे पप्पा ने जो एफडी किया तुम्हारे लिए वो बढ़ा गया चार गुना 4 साल में, या पप्पा ने जो एलआईसी का पॉलिसी लिया वो बढ़ा गया, 4 साल में 4 गुना हो गया ससुरा। जब ये लोगों को समझ में आया कि ये प्रॉफिट ऐसे आ रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा है, देखो अगले साल क्या हुआ, बाय द मार्केट को समझ गया कि भाई साहब ये जो प्रॉफिट है 15-16 का जो अकाउंटिंग ईयर था कहां पे आ गया वापस 83, वहां से तो आगे जाके थोड़े दिन में ही वो 19 पे 400 का 19 हो गया, मतलब 95% गॉन, 5% बचा है। कब से, तब से लेके अभी तक उधरी है, ईसीजी का लाइन है, ईसीजी कर वो मर, ईसीजी बोलते ना वो मरता ऐसा मर गया, देखो ना दगदग ही नहीं हो रहा उसका, कितने टाइम से दगदग, उठने की कोशिश करता है नीचे आ जाता है वापस, इधर देखो थोड़ी बहुत कोशिश की थी उसने, कितने पे 8 से 16। हाँ बोल रहे क्या, मैंने ये एक क्लास में, मैंने कौन सा बैच था मेरे को याद नहीं, नवंबर 19 कोविड के बाद का बैच था, 21 या 23 के, इसको अपर सर्किट तुम्हारे बैच में लगा के दिखाना, मैं कॉस्टिंग के लेक्चर अकाउंट्स में नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट बंद होएगा, इसको अपर सर्किट हिट करवाना है तुमको या लोअर सर्किट हिट करवाना है, मैं कर सकता हूं। कुछ 8-10 लाख रुपए लगते बस, इतना मैनिपुलेट होता है स्टॉक आराम से, एक बैच में करके भी दिखाया था, वंस फॉर अभी नहीं, थोड़ा अपर सर्किट, तेरे को अपर सर्किट का लॉजिक मालूम है, डेप्थ मालूम है तेरे को, हाँ कार अंदर डेप्थ रहता है, बीड आस्क मालूम है, पहले सीख लेना अब कोठारी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सारा चीज तुमसे बात करेगा, प्लीज आज जाके वो डॉक्यूमेंट्री देखो, बहुत सारे लोग सो जाएगा, आप नींद की गोली समझ के उसको ले लो आराम से, देखो आज एक दिन में नहीं खत्म होगा, दो घंटे का है, टीवी पे लगा के देखो, घर पे स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट बनो, धीरे धीरे उसको स्प्रेड आउट करके लेकिन आपको चीजें समझ में आए। फोन पे देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इंस्टीट्यूट हैज केप्ट इट इन यूर सिलेबस। क्या है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो मैंने आपको कितने एग्जांपल्स दिए अब तक, तुमने अगर समझा होगा शेड्यूल 3, मैंने पहले आपको सेगमेंट रिपोर्ट के ऊपर एग्जाम्पल दिया, आईटीसी बीसीएल, ये ट्री हाउस इसका नया वाला एग्जाम्पल देगा तुमको बाद में, इसका सर्च कैसे करना का ये भी है, मुश्किल नहीं है। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन, इंट्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, तरुण जैन इंट्रोडक्शन इज गोइंग ऑन बेटा, चैप्टर अभी तो डेमो चल रहा है यार। अच्छा उसको क्या लग रहा है, उसको शॉक लग गया 440 वोल्ट का। अब बच्चों मैं तुमको बोल रहा हूं, जो लिस्टेड कंपनी है 6,500 कंपनी लगभग है अपने इंडिया में, हम कंपनीज को फाइनेंस में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड करते हैं, जो टॉप 100 कंपनी से इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप, 101 से 250 तक जो रहती है उनको हम बोलते हैं मिड कैप, और 251 से आगे जितने भी रहती है उनको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। मैं इस कैटेगरी में एक चीज मेरी खुद की ऐड करता हूँ, बहुत सारे लोग भी करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं कहीं पे नंबर वन नहीं हूं, मैं दी ग्रेट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी इंडिविजुअल को जिंदगी में फॉलो मत करना, आइडियोलॉजीज को, अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करना, अलग अलग इंडिविजुअल से आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी रादर देन फॉलोइंग अ इंडिविजुअल। एक कैटेगरी और ऐड करना तुम्हारी जिंदगी में, हमेशा याद रहेगा तुमको ये, भंगार कैप। क्या बोला मैंने, भंगार कैप, भंगार कैपिटलाइजेशन, मतलब ये कंपनी में कभी जिंदगी में पैसा नहीं लगाना चाहिए तुमने, वो आइडेंटिफाई हाउस कैप नहीं, भंगार, ये तुमको आइडेंटिफाई करने का तरीका, ये स्क्रीन, ये ट्री हाउस, पूरा ट्री हाउस तुमको खरीदना है ना, 67 करोड़ में आज भी चल रहा है उसका टोटल मार्केट कैप। मार्केट कैप मींस बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर, बहुत बेसिक है, फाउंडेशन में सिखाया भी होगा, जिन्होंने फाउंडेशन मेरे से नहीं सीखा तुम भी सीखे, धीरे धीरे सीखोगे, तुमको थोड़ा है ना, तुमको अलग डर का आज अमेरिका में गया ऐसा लग रहा होगा तुमको तुम्हारे फाउंडेशन के क्लास से।
डिफरेंस है ऑब्वियसली। तो बहुत सारा कंपनी इतना चिल्लर थर्ड क्लास रहता है, वो सिर्फ लोगों को ठगने के लिए आता है। किसके लिए आता है? लोगों को ठगने के लिए आता है। आपको इन ठगों से बच के रहना है। क्यों? ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है। कोई तो बकवास मूवी आया है ना कोई तो? क्या बोले? नहीं मैंने नहीं देखा, मैं बच्चों की मूवीज देखता हूं। सो डिज्नी कार्टून्स, वायलेंस नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, लव रहता है, देर इज नो हेट्रेड, देर इज नो फालतू का हवस, कहीं से भी बीच में गाना नहीं आता है, मस्त रिलैक्स मूवी रहता है, दिमाग को परेशान नहीं करते, दे स्प्रेड लव हैप्पीनेस तुम्हारे दिमाग के अंदर बाहर आके, ऐसा किसी को मारने का या हेट्रेड करने का या कम्युनिटी राइट्स क्रिएट करने का, कैसे एक कम्युनिटी जर। आई अंडरस्टैंड देर विल बी लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स डन बाय लॉट ऑफ पीपल इन द पास्ट, यू अंडरस्टैंड, एंड यहां से आगे तो आप नफरत में मत स्प्रेड करो ना यार। जी भाई साहब, आपको कोई डाउट? उनको लिस्टेड रहने क्यों दिया जाता है? बहुत सारे कंपनीज फ्रॉड करते हैं, उनके बाद उनके प्रमोटर्स में चेंजेस होते हैं, जो प्रमोट मतलब अगर आप ट्री हाउस देखोगे, इनके इन्वेस्टर्स में जाके देखोगे और प्रमोटर्स में जाके देखोगे, तो भाटिया जी अभी भी है, लेकिन भाटिया जी ने जो भी उनका पनिशमेंट था वो, या जो भी रिपोर्टिंग था वो रिपोर्टिंग भाटिया जी ने कर लिया है। अब जो भी गड़बड़ हुई थी वहां पे, उसके लिए जो पनिशमेंट होना चाहिए था पनिशमेंट उन्होंने भर दिया ना, मैंने क्राइम किया। एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं भाई साहब का डाउट है, उनको लिस्टेड कंपनी रहने की जरूरत, अगर कुछ गलत हुआ था वहां पर, जो भी गलत हुआ था उसके ऊपर रेगुलेटर जो है सेबी एक्शन लेता है। एक दो मिनट हम ये ट्री हाउस को बाजू रख दो मिनट के लिए, तेरे गाड़ी चलाने आता है? गाड़ी है तेरे पास? आज सिग्नल तोड़ा तूने? सच बोल, सिग्नल तोड़ा तूने आज जिंदगी में? कितनी बार सिग्नल तोड़ा तूने आज तक? तोड़ा होगा पता, तोड़ा नहीं हूं सिग्नल तोड़ा ना तूने, उसके बाद तेरे को कभी 1000 बार फाइन लगा सपोज, उसके बाद में तेरे को गाड़ी चलाने क्यों दे रहे रे? हाँ गाड़ी चलाने क्यों दे रहे तुझे? सिग्नल तोड़ा ना तूने, तूने रूल्स वायलेट किए ना, क्यों गाड़ी चलाए तू आज? खुद पे आती है ना तो समझ में आता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, किसी आदमी ने एक बार पनिशमेंट दे दिया है तो उसके बाद उसको जीने का हक है ना यार, पनिशमेंट सर किया। अब तू बोलेगा संजय दत्त को वापस एक्टिंग करने क्यों देते हैं? पनिशमेंट तो सर किया ना उसने जेल में जाके, एक बार पनिशमेंट सर कर दिया तो ठीक है, जो भी पेनल्टी था त्री हाउस ने पेनल्टी सबमिट किया हो गया, जो भी एक्सप्लेनेशन लॉ ने, जो भी एक्शन लेना लॉ ने एक्शन लिया ना। मैं कहां पे भाटिया जी के अगेंस्ट हूं या ट्री हाउस के अगेंस्ट हूं, मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने फ्रॉड किया, फ्रॉड का लेवल देख के गवर्नमेंट क्या करेगा उसके ऊपर एक्शन लेगा, बट इट इज योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई एंड नॉट टू पुट योर हार्ड अर्न मनी आउट हियर, दैट इज, एंड यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर दैट मच रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू ट्रस्ट योर सिग्नेचर, योर ओपिनियन। व्हेन यू एज अ ऑडिटर, अगर आप सीए बनके आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी एक सिग्नेचर के ऊपर कंपनीज को इतना सारा फंड रेज करते आएगा। फंड रेज करते टाइम पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू शुड अंडरस्टैंड ऑडिटिंग रूल्स, और उसके बाद आप जब एक साइन करते हो कंपनी करोड़ों में पैसा रेज कर सकता है। अब तुमको ही अगर ये चीज समझा नहीं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तुमको समझ के बाद तुमने फ्रॉड किया, ब्राइब लिया या कुछ जोलजाल किया, दैट्स व्हाट आई सेड ना, सो मेनी पीपल गेट किल्ड। अभी क्या होगा, जिन पर लोगों का पैसा इस चीजों में डूबता है, दे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म नेगेटिव ओपिनियन, या घर के अंदर उनका माहौल खराब हो जाता है, पैसा डूब जाता है, घर के अंदर चिड़चिड़ करते हैं, घर वाले पे चिल्लाते हैं, बच्चों पे चिल्लाते हैं, यू दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू नो, देयर आर सो मेनी किड्स हु गो थ्रू दिस एज अ इंडिविजुअल, मेरे को बहुत सारा लॉस हुआ या कुछ हुआ, देयर इज अ नेचुरली, एक ह्यूमन बींग हूं यार मैं यहां पे आके तुम्हारे ऊपर चिल्लाऊंगा, या घर पे जाके मेरे बच्चों पे चिल्लाऊंगा, या मेरे झगड़ा होगा, या किसी के ऊपर आई विल स्टार्ट लुकिंग एट एंटायर एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कोई एनालाइज नहीं करता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट्स अ, तुम जब हॉवर्ड शिग्लिट्स को तुम पढ़ोगे तब जाके तुमको ये मैं जो बोल रहा हूं ना वो समझ में आएगा, व्हाई यूअर प्रोफेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सिग्नेचर कैरीज दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस। ये चीज मोदी जी ने भी कही थी, आईसीए का बर्थडे था,
1 जुलाई 2017 मोदी जी को बुलाया था, जो पिछला सिलेबस था वो इनॉग्रेट करने के लिए मोदी जी ने ये बात कही। सारे लोग ऐसे, सीए लोग ऐसे नीचे नीचे देख रहे थे, प्रेसिडेंट तो ऐसे ऐसे घूम रहे थे कैमरा जब आ रहा था, तो वापस मोदी जी को इन्होंने कभी बुलाया नहीं। इस बार का तुम्हारा जो सिलेबस था वो प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। क्यों? मोदी जी का वो भाषण देखोगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा सीए लोगों की कितनी बजाई थी। मोदी जी ने उन लोगों को बुलाया था कि तुम्हारी सिग्नेचर, एक सिग्नेचर है ना, वो मेरे सिग्नेचर से ज्यादा पावरफुल है। मेरी सिग्नेचर मतलब प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर, क्योंकि तुम्हारे एक सिग्नेचर के ऊपर इतने सारे लोगों को पैसा मिल सकता है। अगर तुमने गलत कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किए, साइन किए, बैंक से उसको लोन मिलता है, इक्विटी इन्वेस्टर से पैसा आता है, एंड देन सो मेनी पीपल लूज मनी, यू आर कैरिंग अ हेट्रेड ऑफ सो मेनी पीपल, लाइक दैट्स व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। लाइक देयर इज वन फिलोसॉफी, व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ नॉन वेज देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट यू कैरी ऑफ दोज एनिमल्स, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आप उसके ऊपर बिलीव करते नहीं करते, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट समवेयर डाउन द लाइन यू कैरी दैट इंपॉर्टेंस। दैट्स वाई एट अर्ली एज यू शुड अंडरस्टैंड दीज फाइनेंशियल सेट। आप सोचो ना, अब इन्वेस्टर्स ने लॉस कितना दिया, 95% इन मैटर ऑफ वन ईयर है। मतलब इफ समबडी हैड पुट अप, लेट्स से समबडी हैड ऑल हिज सेविंग्स ऑफ रिटायरमेंट एंड समथिंग, एंड ही हैड पुट अप लेट्स से करोड़ और समथिंग, उस आदमी का क्या वाट लग गया होगा, कितना वाट लग गया। मतलब इमेजिन द काइंड ऑफ हेट्रेड और फियर दैट ही विल हैव। दैट इज व्हाट आई वांट यू पीपल टू, तुम्हारा माँ बाप जो इक्विटी मार्केट को स्कैम, या बहुत सारे लोगों का जनरल फिलोसफी इक्विटी मार्केट स्कैम है, ये गड़बड़ है, ये है, वो फिलोसफी लोगों का व्यू क्यों क्रिएट हुआ है? बिकॉज पीपल आर लॉस्ट मनी लाइक दिस बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ मनी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई विल प्रूव इट टू यू। मैंने फाइनेंस कैप्सूल, जिसने भी चौथा फाइनेंस कैप्सूल तक रुका था, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था इन द लास्ट, मैंने कितने साल का डेटा लिया था, 20 या 25 साल का डेटा 1995, मतलब ऑलमोस्ट 27 ईयर्स, 27 साल का डेटा लेके रैंडम डे पे तुमने इन्वेस्ट किया। मैंने कुछ कुछ बच्चों के बर्थडे लेके भी रिटर्न निकाल के दिखाए थे, तुम्हारे माँ ने तुम्हारे बर्थडे पे हर बार इन्वेस्ट किया था सही तरीके से पोर्टफोलियो के अंदर, एक भी बच्चा या एक भी बार निगेटिव रिटर्न नहीं आया था लॉन्ग रन के लिए। बट उसके लिए तुमको पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, उसके लिए तुमको ETF समझने चाहिए, उसके लिए तुमको कौन से कंपनीज का मुझे पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है वो समझना चाहिए। नहीं समझता तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है, और ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए ना यार। और तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो यार, होने वाले हो यार, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए ये बहुत खतरनाक चैप्टर्स है। डाउट्स बाद में लूंगा बेटा, मेरे को पहले खत्म करने दे। शेड्यूल 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो ये कोई अलग चैप्टर नहीं, मैंने नाम लिखा सिर्फ AS 3। खतरनाक चैप्टर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा 15, ये दो चैप्टर ऐसे जिसमें 15-15 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी दोनों के ऊपर 15-15 मार्क नहीं आएगा, दोनों में से कोई तो एक पक्का 15 मार्क को ले, कौन सा मेरे को नहीं मालूम, वो प्रेडिक्शन मैं नहीं लूंगा कभी। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा बच्चों ये पक्का आएगा ऐसा, या ये नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को अगर सिखाने नहीं है, मेरे को आता नहीं क्यों सिखाना। तो एक अच्छा स्ट्रेटेजी बोलता हूं टीचिंग प्रोफेशन के, मैं आपको बहुत सारे सीक्रेट बोलते जाऊंगा क्या करने का, जो टॉपिक तुमको आता नहीं कुछ नहीं था क्या बकवास है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए। ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंडसेट क्या होता है, चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, टीचर ही बोल रहा है, मैं तो कौन हूं, गया एग्जाम में आया लग गई, तब तक तुमको मालूम नहीं किसने लगाई। तो मैं प्रेडिक्शन बोला दोनों में से एक पक्का आएगा, क्यों, क्योंकि वो चैप्टर एक एक मॉड्यूल है इसके ऊपर, इन चैप्टर को एक आपको आपने कितने लोगों के मॉड्यूल आ गए घर पे, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स ICA के, अच्छा एक दो मॉड्यूल 3 में ये सारे और चीजें कवर किए। देन यू हैव अ चैप्टर ऑन मैरिज, आप बोलेंगे मैरिज, हाँ, अमालगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, जब दो बिजनेसेस एक साथ क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, हम इसको बोलते हैं बिजनेस मैरिज, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनल में जाके आप इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहां पे सीखने मिलेगा। वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी, लाइक HDFC बैंक टुक ओवर HDFC लिमिटेड। मेरे फाउंडेशन में एक क्वेश्चन पूछा था, याद होगा तुमको, तो कितने लोगों के पास HDFC में बैंक अकाउंट है, बहुत सारे गधों ने हाथ ऊपर किया था, सर आई हैव HDFC बैंक अकाउंट,
HDFC was NBFC. You cannot have bank account with NBFC. You can have account with bank. HDFC Limited and HDFC Bank were two separate companies. They have amalgamated just recently. Legal process is still going on, kuch parts mein. But HDFC Limited and HDFC Bank are now one. HDFC Bank ne usko take over kiya. Jisne dhanda becha, kisne dhanda becha? HDFC Limited. Usko bolte transferer company. Kya word use kiya maine? Transferer. Aur HDFC Bank ko hum bolte transferee. Usne uska dhanda take over kiya. Iska accounting dono ke books mein kaise karne ka? How to account in the books of seller of a business, how to account in the books of buyer of business. Hum koi sabji mandi mein nahi ja rahe bhaji sabji kharidne ke liye. Hum kya kar rahe hai? Dhanda kharid rahe. Business is being bought. Whose business? HDFC Limited. By whom? HDFC Bank. Abhi itne complex level ka question nahi dekhenge hum. Hum apna chiller level dekhenge, but idea to aapko aa jayega ki accounting ke main issues kya hai. To amalgamation aayega. चौथा चैप्टर ये जो चैप्टर है ना ये अपने बड़े बड़े चैप्टर है ये बिग फोर या बिग फाइव बोलेंगे बिग फोर ही है याद है उसके बाद छोटे चालू हो जाते नहीं एक है बिग फाइव वाला भी बिग मतलब 15 या 20 मार्क का क्वेश्चन आने की कैपेबिलिटी इन चैप्टर्स में है अभी सारे के सारे चैप्टर्स ऑब्वियसली एक पेपर में नहीं आएंगे अगर आप मई 24 में दोगे तो उसमें से कुछ आएंगे नवंबर 24 में दोगे तो बाकी आएंगे हाँ मतलब आपके ऊपर मई 24 देना है या नवंबर 24 देना है कब देने का है नवंबर 24 पे क्या देने का है कुछ नहीं आर्टिकलशिप करने का है ये तो बोल रहे फाइनल सो रिकंस्ट्रक्शन आप बोलेंगे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ना फाइनेंशियली बिजनेस स्ट्रेस में है तुम भी स्ट्रेस में आएगा किसी दिन आदमी जब स्ट्रेस में आता तो क्या करता है सुसाइड चलो सुसाइड तो नहीं करे कंपनी के केस में सुसाइड मतलब क्या वाइंडिंग अप बट हर केस में ऐसा नहीं होता है कि कंपनी को वाइंड अप करना चाहिए कुछ कुछ केसेस में उस कंपनी को हमने रीस्ट्रक्चर करने का स्कोप रहता है क्या रहता है धंधा तो खराब नहीं हुआ है बहुत सारे केसेस में क्या होता है कंपनी में कुछ फाइनेंशियल ट्रबल होता है कुछ केस में फ्रॉड हो सकता है कुछ केस में जेन्युइन बिजनेस का फेल्यूर होता है लेकिन अभी भी स्कोप है तो हमने क्या करना चाहिए उस कंपनी को बंद करना चाहिए या रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए क्यों रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए स्कोप है हाँ अगर स्कोप ही नहीं है कि आपको रिवाइवल का कोई उम्मीद ही नहीं है तो चलो जाने दो बट अगर बिजनेस में रिवाइवल का थोड़ा बहुत भी स्कोप है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करके कोर्ट है स्पेशल पर्पज कोर्ट है कंपनी लॉ के अंदर किया हुआ आपके सिलेबस में भी लॉ के लॉ में आप सेक्शन 66 में इसको लर्न करोगे रिडक्शन ऑफ कैपिटल उधर नाम अलग है इधर नाम अलग है नाम छोड़ दो कंसेप्ट वही है कि आप कोर्ट के पास जाओगे कोर्ट को बोलोगे यार देखो सुसाइड तो नहीं करना चाहता लैंग्वेज ये नहीं यूज करने का आप क्या डेमो है तो अपना बोलना पड़ता है थोड़ा सो कोर्ट को आप बोलोगे यार वी डू नॉट वॉन्ट टू क्लोज डाउन द बिजनेस वी डू नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वाइंडिंग अप बट वी विश टू रिस्ट्रक्चर आर बिजनेस एंड make certain changes in our business, financial assets or liabilities and court can give you a permission to do so. And then how to do accounting as per the scheme of court. Court jo bhi scheme approve karega, uska accounting kaise karne ka at a basic level. Obviously, reconstruction in real life, amalgamation in real life are extremely complex. These decisions require years. Years of work they require. Normally, आप अगर किसी कंपनी का लार्ज कंपनी का amalgamation करोगे उसमें आपको कंसल्टेंसी का फी ही अभी ऑन एन एवरेज बड़े कंपनीज का अगर आप मर्जर अगर करके कंसल्टेंसी फी शुड रन इन टू 50 to 100 crore रुपीज फी ये कौन करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कभी नाम सुना होगा गोल्डमन सैक्स जेपी मॉर्गन क्रेडिट स्विस यूबीएस क्रेडिट स्विस तो चलो अभी कटक में डॉयशे बैंक एलियन लग रहे हैं ना तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं ये कोई बैंक मतलब कोई अकाउंट नहीं खोलना रहता है वहां पर सर सेविंग अकाउंट खुलवा दो ना सर सर वो क्रेडिट कार्ड दिलवा दो ना यार सर जीरो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट स्टूडेंट बैलेंस
नहीं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है ये फंड रेजिंग के लिए, बिजनेस का मर्जर करने के लिए, मर्जर्स एंड एक्विजिशन करने के लिए, उसके ऊपर का टैक्स का कंसल्टिंग का काम करते हैं ये लोग, सीएज रहते हैं मेजोरिटी वहां पर बहुत। अब उस कंपनी को अगर 50 करोड़ का फी मिल रहा है, तुम्हारे जेब में भी थोड़ा बहुत आएगा ना, ओशन में से एक आधा ड्रॉप भी आया तो भी काफी है ना तुम्हारे लिए। तो उसका रियल लाइफ में रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट देयर इज अ ह्यूज थ्रिल इन दिस, ह्यूज थ्रिल, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो उसका बेसिक अकाउंटिंग आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने कवर किया, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। वी आर नॉट रिकंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री ओल्ड फैक्ट्री उसको डिमोलिश करो नया फैक्ट्री डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको मैंने बोला था अलग अलग बिजनेसेस है, उनके ब्रांचेस है, तो ब्रांच का अकाउंटिंग है। ब्रांचेस आर ज्योग्राफिकली स्प्रेड, और आपका जो बिजनेस डिवीजन हो सकता है, लाइक एक मॉल है, वो मॉल के अंदर, या एक बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचते हैं, वो गारमेंट भी बेचते हैं, वो ग्रोसरी भी बेचते हैं। बोले ऐसा कौन होता है सर इलेक्ट्रॉनिक्स गारमेंट, अरे कितने सारे धंधे, डीमार्ट देखो, डीमार्ट के अंदर ग्रोसरी मिलता कि नहीं, गारमेंट थोड़ा बहुत तो अभी चालू किया उसने, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम है अभी तक उसके पास, बट है थोड़ा, मैसिव नहीं है जो सेल्स के अंदर, बेटा शेयर होल्डर हूँ तेरे से ज्यादा मालूम है, तो दुकान में जा रहा होगा, मैं फाइनेंस में ज्यादा, सो अभी तक उतना सेल्स नहीं है। बट रिलायंस रिटेल देखो आप, रिलायंस के पास तो भर भर के सबकी चीजें, ज्वेलरी भी है, फुटवेयर भी है, इतने सारे अलग अलग बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस डिविजन है। अभी बिजनेस डिविजन के जगह पे हम यूज करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, हम उनको बोलेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो हम उसका क्या करेंगे बच्चों, अरे बोलो, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, दिस इज नथिंग बट वो जो मैंने AS-17 का एग्जाम्पल दिया था तुमको, ये बिजनेस सेगमेंट है, और ये क्या है ज्योग्राफिक सेगमेंट, दिस इज BS बिजनेस सेगमेंट, दिस इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अरे बच्चों समझा गया तुमको, और उसके साथ साथ कंपनी के बायबैक ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग है। अभी इसमें ब्रांचेस तुम्हारी फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है, क्या बोला मैंने, ब्रांच फॉरेन कंट्री में नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, तो अगर ब्रांच तुम्हारा फॉरेन कंट्री में तो क्या करेगा तुम, उसका ट्रायल बैलेंस या उसका बैलेंस शीट कौन से करेंसी में रहेगा, फॉरेन करेंसी में रहेगा ना ऑब्वियसली, अमेरिका में ब्रांच है तो उसका ट्रायल बैलेंस क्या रुपीज में बनाओगे क्या, उसका सेल्स किस में रहेगा, डॉलर्स, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, वो डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किधर, रुपी में, तो कन्वर्ट कैसे करोगे, आपके क्या बोले मल्टीप्लाई करना है सर, अरे गधे मल्टीप्लाई करना, तो कौन सा एक्सचेंज रेट, कौन से दिन का सेल, 365 दिन हो रहा था, एवरेज नहीं बेटा, मैंने पूछा आंसर दिया नहीं, उसके लिए AS-11 आंसर देगा। तो ये जब ब्रांच अकाउंटिंग करोगे तो आपको फॉरेन ब्रांचेस भी आएंगे, AS-11 टॉक्स अबाउट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस का अकाउंटिंग, फॉरेन एक्सचेंज में जब आप या फॉरेन करेंसी में जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, लोन हो या इन्वेस्टमेंट हो, जो भी है उसका आपको क्या करना पड़ता है, लोकल करेंसी में कन्वर्जन करना पड़ता है, और लोकल करेंसी में कन्वर्जन करके हम क्या करते हैं उसका अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो 6 चैप्टर है ये सारा आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नंबर 3 है, आपको मालूम है तो 3 मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं, मॉड्यूल 1, 2, 3, 1 और 2 आर ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और 3 में भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, कितने थे 3 में आपको, 2 तो पूरे आए, AS-3 कंप्लीटली आया, AS-14 कंप्लीटली आया, और इधर ब्रांच अकाउंट में पार्शियली आपको क्या आएगा, AS-11 आएगा, लेकिन AS-11 में सिर्फ वो नहीं है, AS-11 बहुत खतरनाक है, तुम ऐसा तुम्हारे मैच में तुमको मैं चलो एक 10-20 करोड़ का खेल के दिखाएगा, उस टाइम पे पिछले वर्ष 50 करोड़ खेले थे हम, सिनारियो अगर अच्छा रहा है तो 50 भी खेलेंगे 100 भी खेलेंगे, तुमको इधर लाइट रेट दिखाएगा, मैंने नहीं अकाउंट में नहीं दिखा सकता, मैं तो नहीं दिखाएंगा, तुमको बोलेंगे ऐसा हो सकता है, मार्केट बंद हो जाएगा ना तब 3:30 बजे तक, तब तक मार्केट आर्स चेंज हो गए, तो देर इज अ प्रपोजल दैट मार्केट आर्स लाइकली टू चेंज इन इंडिया, बहुत बड़ा करेंसी मार्केट है, और ये मार्केट इंडिया में तूफानी से बढ़ने वाला है, क्यों, 1 साल पहले मेरे बर्थडे के दिन मोदी जी ने एक गिफ्ट सिटी करके अनाउंस की, और मतलब इनॉग्रेशन किया उसका, अनाउंस तो उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे तब की थी, 29 जुलाई 2022 को, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, एंड दैट इज गोइंग टू मेक, लाइकली टू मेक
India to take a good chunk of financial transactions. Obviously, India will not become a monopoly, but जो सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, दे आर नोन एज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, सिडनी, दे आर मेजर फाइनेंशियल हब्स, तो उनमें से थोड़ा बहुत काम हम हमारे यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, डाउट नहीं। हाँ, तुमको दर्द हो रहा है तो जा सकते हैं ना यार, दैट इज ओके। किसी भी बच्चे को सूसू लगा या कुछ दर्द हो रहा है, हो रहा है, तो पूछने का नहीं यार, कंट्रोल नहीं करने का, जाने का, वो पूछने का भी जरूरत नहीं, स्कूल में नहीं हो तुम, जाओ क्या सर, अंदर आओ क्या सर, सर नहीं यार, मतलब प्लीज ग्रो अप, ऐसा डिस्टर्ब मत करो, बिंदा जाओ तुम। अब कुछ कुछ बच्चा इसका, मैंने एक पिछले मैच में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सुसु इंडेक्स। क्या इंडेक्स? सुसु इंडेक्स। जब बहुत ज्यादा कंसेप्ट डिस्कस होने चालू होते हैं ना, तुम ऑब्जर्व करेगा धीरे धीरे, फेस टू फेस वाला बच्चा ऑब्जर्व करना, सुसु वाला पब्लिक बाहर जाना चालू होएगा, सुसु नहीं करने जाते। सो एज कॉन्सेप्ट्स इंक्रीज, सुसु इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आप ये ऑब्जर्व करना है। कुछ कर नहीं सकते यार, मतलब तुम्हारे उम्र पे चलो ठीक है, क्या कर नहीं सकते ना यार, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई अलग स्किल नहीं है यार, मैं तुमको कुछ यो 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 कर लूं यार, नहीं है यार मेरे पास स्किल, जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलूं ना, मैं सोशल मीडिया पे नहीं, दिलों में बस। तो इस गिफ्ट सिटी का जो मैं बात कर रहा था, वहां पर बहुत सारे फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन इंडिया में आने वाले हैं, आ रहे हैं। सबसे बड़ा उसका चेंज हुआ, हमारे इंडिया का जो इंडेक्स है, प्राइमरी इंडेक्स इक्विटी का, निफ्टी, निफ्टी इज मतलब निफ्टी के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है, दे आर वे बिगर देन द सेंसेक्स। जनरल पब्लिक को सेंसेक्स लगता है बहुत बड़ा है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो टोटल मार्केट शेयर है इज अराउंड 99%, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज 1%, आई एम बिकॉज शेयर होल्डर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप बीएससी भी खरीद सकते हो, बीएससी लिस्टेड है, एनएससी लिस्ट होने वाला है, इट्स अ कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज इज अ कंपनी, कोई ऐसा ग्रेट कॉन्सेप्ट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट्स लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट रहता है वैसा ही है मार्केट प्लेस। तो सिंगापुर में हमारे निफ्टी का ट्रेडिंग होता था, सिंगापुर का एक स्टॉक एक्सचेंज है एसजीएक्स, स्टॉक एक्सचेंज वहां का, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, उधर अपना बहुत सारा निफ्टी का ट्रेडिंग होता था, कब? अपने मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद। अपना इंडिया का मार्केट चलता है सुबह 9 से लेकर 3:30 बजे तक, 9 से 9:15 प्री मार्केट रहता है, 9:15 से 3:30 एक्चुअल ट्रेडिंग होता है। 3:30 बजे के बाद तुम्हारे को इंडियन मार्केट पे पोजीशन लेने का, कुछ न्यूज आता है 3:30 बजे के बाद, बहुत बार जैसे डिमोनेटाइजेशन करने पर रात के 8 बजे आके मोदी जी ने बोला था, भाई और बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 की नोट बंद, तो उसका इम्पैक्ट आता है मार्केट पे। तो देर यूज टू ट्रेड इन सिंगापुर, अब वो ट्रेडिंग पिछले 1.5 महीना हो गया, डेढ़ या थोड़ा 1.5 महीना हो गया, वो एसजीएक्स निफ्टी करके एक ट्रेडिंग होता था दिन का, कोई आइडिया है आपको कितना हो सकता है पूरा निफ्टी के डेरिवेटिव्स वगैरह का ट्रेडिंग, कोई एक दिन का? 5 से 6 लाख करोड़ एक दिन का, एक दिन का भी नहीं, 9 से 3:30 तक का। वही तो बोल रहा हूँ, जिस दुनिया में आप एंटर करने जा रहे हो ना, वो इतना बड़ा ओशन है कि आप अगले 40 साल भी सीखते रहोगे तो भी कंप्लीट नहीं सीखोगे, ऑब्वियसली कंप्लीट चाहिए भी नहीं अपने को, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू नो एवरीथिंग। मैंने कभी बोला मैं आपको, मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ मालूम मेरे को? नहीं। द डे यू से समथिंग लाइक दिस, यू आर अ बुलशिट फेलो इन द लाइफ, यू आर अ बुलशिट, मतलब अहम, आपके अहम, राइट, अहम, ईगो, अहंकार, अहंकार आपके अंदर बहुत भर गया है, वो नहीं भरना चाहिए। सो एसजीएक्स निफ्टी का ट्रेडिंग आ गया, तो उसके लिए धीरे धीरे जाके अभी हमारा फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन का ट्रेडिंग बहुत बढ़ने वाला है, उसका बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में रखा हुआ है इंस्टीट्यूट ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग। तो ये आपका पूरा मॉड्यूल 3 है, और बाकी के है एएस। क्या क्या है एएस, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ये मॉड्यूल 3 के अंदर आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कुछ एस आपने फाउंडेशन में सीखे थे, या कुछ लोग ग्रेजुएशन वाले हैं, डायरेक्ट एंट्री वाले, उन्होंने ग्रेजुएशन, आई डोंट नो व्हाट इज द स्कोप ऑफ ग्रेजुएशन इन आर कंट्री, मैं तो ग्रेजुएट हूं नहीं, मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तुम भी नहीं है, लेकिन तुम तो हो सकते हो, यू शुड डू ग्रेजुएशन, यू शुड नॉट फॉलो अभिषेक जावरे, मैं पागल हूं,
मैंने बीकॉम नहीं किया, लेकिन तुम लोग बीकॉम प्लीज करो. क्यों? तुमको अगर कोई हायर एजुकेशन करना है ना तो प्रॉब्लम होता है. मेरे को सीखना था या सीखना है आज भी, लेकिन अभी क्या है, तुम्हारे साथ आके बीकॉम देने की मेरे की मैंने CFA करके US का कोर्स है उसके लिए रजिस्टर किया था, पैसा भी भरा, सब कुछ भरा, सालों ने रिजेक्ट कर दिया. मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला भी था, रिजेक्ट कर दिया मेरा एप्लीकेशन. बोले तुम सीए नहीं, मतलब बीकॉम नहीं हो, तुम ग्रेजुएट नहीं. बोला सीए इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट. बोले सीए इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट ओनली फॉर डूइंग PhD, नॉट फॉर थिंग्स. तो आप कर ये कर सकते हो. वो SGX निफ्टी अभी इंडिया में आके SGX जो बोलो ना सिंगापुर, इट इज नाउ कॉल्ड एज व्हाट, गिफ्ट निफ्टी. गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. ऐसे और सिटीज सेटअप हो जाएंगे. ये आपके लॉ के सिलेबस में भी है. लॉ के सिलेबस में आपको बहुत बार IFSC करके रेफरेंस आएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. ये पूरा एक अलग मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट कर रहा है, लाइकली टू ब्रिंग अराउंड डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट 10 लाख जॉब्स इन फाइनेंस सेक्टर ओवर नेक्स्ट लेट्स से 1 decade. And out of that, in my opinion, at least 5,000-6,000 CAs can be accommodated in high paying jobs. आप सिंगापुर जाओ, आपको समझ में आएगा सैलरी लेवल्स क्या है. मैंने अभी परसों के बैच में एक सिडनी वाला बच्चा था, उसको बुलाया था. सिंगापुर में बहुत सारे दोस्त है. एवरेज मतलब कौन सा बैच का था वो, अभिमन्यु वॉज अराउंड 2015 बैच, मेक्स अराउंड 90 लाख रुपीज सैलरी जॉब with about just 3 years of experience. This is a huge scope. वही बोल रहा हूँ, तुमको दुनिया मालूम नहीं है जो तुम्हारे services के ऊपर जो companies पैसा कमाता है. तो you just do not know. And that is computers, algorithms, इतना. Right now I'm sitting out here. मेरे account में मैंने कुछ भी trade नहीं, मैंने computer phone को touch भी नहीं किया. There are still trades taking on my phone right now on the basis of server that I have at Law College Road, Pune. अल्गोरिदम से पूरे चल रहा है अभी. राइट, आप बोले मार्केट बंद हो गया, क्या फेंक रहे हैं सर? कमोडिटी मार्केट चालू है, क्रूड ऑयल का ट्रेड चालू है. कल November 23 वाले बच्चों को पूछ के देखो, उनको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था. आप वो पोटेंशियल है तुम्हारा. और ये सब मैं CS बच्चों के थ्रू ही करवा रहा हूँ. सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है. आइडिया देने का, एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है. तो बच्चे हैं, तुम्हारे बैच में से कुछ अच्छे बच्चे मिलेंगे 4-5 साल बाद, तुमको भी ले लूँगा मिनिमम 5 साल. तुम कर बच्चा मतलब 1,000 में से मैं 2 बच्चे ढूंढेगा सिर्फ, क्यों उतना ही लोग मेरा वो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया का रिक्वायरमेंट वो मीट करते हैं. क्राइटेरिया इज नॉट मनी, ब्रेन मीट करता है. तुमको वो स्कोप है. गिफ्ट इज गोना बी सो बिग एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर बीजेपी इज देयर और कांग्रेस इज देयर, कंट्री इज गोना ग्रो. तो उसका अकाउंटिंग आपको ऑब्वियसली, आपको मैं ये भी प्रॉमिस दे रहा हूं, आपको सब कुछ समझेगा. नहीं समझेगा आपको, बट बेसिक चीजें हैं. वहां से इंटरेस्ट तो क्रिएट होता है ना यार. पहले दिन तुमको, तुम जब साइंस सीखने गए थे, मैथ सीखने, तो सब कुछ थोड़ी समझा था. धीरे धीरे आप इंटरेस्ट क्रिएट करते ना. तो कुछ स्टैंडर्ड्स है जो आपने ग्रुप वन में, सॉरी फाउंडेशन में सीखे थे. AS1 क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, बेसिक गोइंग कंसर्न बोला था मैं, अक्रूअल बोला था. और बाकी 2 आइटम जो है वो बाद में सिखाऊंगा. कौन से 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग है? अक्रूअल इंपॉर्टेंट था, एक्सप्लेन किया. गोइंग कंसर्न उसके लिए काम करने था. गोइंग कंसर्न एंड व्हाट, कंसिस्टेंसी सीखेंगे हम AS1 के अंदर. AS2 इज अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज कॉस्ट. बोलेंगे क्या सर, वो तो सीखा है हमने फाउंडेशन में. आ जाओ ना इंटर में, देखा दो ना, आ गए हो क्यों? FIFO LIFO वॉज अ वेरी बेसिक थिंग. कॉस्ट कैसे लिंक प्रोडक्शन, आपने फाउंडेशन में सिर्फ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, बाइंग एंड सेलिंग. आपने ये नहीं सीखा रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाने का, उसका वैल्यूएशन कैसे करने का, दैट यू डिड नॉट लर्न. सो दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट अपने वहां पर सीखना मिलेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं. AS3 अभी मैंने रेफरेंस दिया था, क्या था? कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाम नहीं लिख रहा हूं, वो सब उनको बुक में मिलेंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. बहुत बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो लास्ट डेट रहता है उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपलसरीली इंडिया के अंदर अप्रैल टू मार्च रहते हैं. अपना सिलेबस छोड़ दो, जान टू दिसंबर आएगा या जुलाई टू जून आएगा, कुछ भी आएगा सिलेबस में वो छोड़ दो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट, अप्रैल टू मार्च. क्लियर है क्या? 1 अप्रैल टू
31 मार्च, तुमको क्या लगता है 31 मार्च के रात के 12 बजे जाके तुम बैलेंस शीट बनाएगा? बैलेंस शीट बनने को क्या लगता है? टाइम लगता है, पीएनएल बनने को टाइम लगता है ना, थोड़ी खाऊ थोड़ी है वो, गए सब्जी बना लिया 30 मिनट, सर 30 मिनट में हम पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं सर, 12वीं में इतने सारे पीएनएल बैलेंस शीट बनाए हमने सर, फाइनल अकाउंट सीखा हमने, एनपीओ सीखा सर। ओके, मैगी नहीं है, 2 मिनट में नूडल तैयार हो जाएगा। टाइम लगता है 2 महीने 3 महीने, बायजू देखो 1.5 साल लग रहा है। तो एक चीज सोचो, ऑन योर स्क्रीन टाइम लाइन है, 31 मार्च इज द ईयर एंडिंग डेट, 15 जुलाई, व्हाट हैपेंड ऑन 15 जुलाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के या मैनेजमेंट जो होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, कब हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल? 15 जुलाई को हुए, 15 जुलाई, मैं जुली बोलेगा उसको, कैसे जुलाई कहते बोर लगा, जुली जनवरी जान, 31 मार्च 15, इसके बीच में कुछ होया तो विच इज अफेक्टिंग द लास्ट ईयर, इवेंट हैपेंड आफ्टर 31 मार्च बट बिफोर 15 जुलाई, बट दैट इवेंट हैज समथिंग टू डू विथ लास्ट ईयर, तो उसका क्या करने का, वो हमको AS4 बोलेगा, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स दैट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, हु टेल्स यू? अरे कान खोल के सुनो, AS4 बोलेगा तुमको, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़ो, AS5, तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी जो है एक बार तुमने चूज कर लिया, कोई भी एरिया के लिए तुमने अकाउंटिंग कैसे करना है, लाइक से डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके कर रहा हूं, ऐसा कंपलसरी करे SLM? चेंज कर सकते हैं ना तुम, अगर मेरे को अकाउंटिंग पॉलिसी डेप्रिसिएशन का चेंज करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, उसके लिए रूल्स क्या है, वो सब कुछ AS5 में लिखा है। AS5 डील्स विथ हाउ डू यू कंप्यूट नेट प्रॉफिट और लॉस, हाउ डू यू अकाउंट फॉर चेंजेस इन यूर अकाउंटिंग पॉलिसीज, या इन द करंट ईयर यू कम टू नो अबाउट एरर ऑफ लास्ट ईयर, ऐसा हो सकता है ना पिछले साल का गलती आपको अब समझा, सो हाउ डू यू अकाउंट फॉर चेंजेस, सॉरी प्रायर पीरियड आइटम्स, व्हाट वर्ड आई यूज्ड, प्रायर पीरियड आइटम। तो AS5 कितनी चीजों की बात करता है, 3, नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालने का, नंबर 2 चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, SLM टू WDV, FIFO टू LIFO, ऐसे बहुत से, ये कुछ एग्जांपल जो आपकी लेवल के हिसाब से, आज आगे तुम देखो सिर्फ, देन प्रायर पीरियड आइटम्स, ये सारी चीजें AS5 में है। AS6 कह रहे, AS6 डिलीटेड, सो AS6 इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग था पहले, अभी डिलीट हो गया, बोले गया फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग नहीं, AS10 में मर्च किया है, गया नहीं, इधर से निकाला उधर, नंबर दिखने के लिए एक कम हुआ, कंटेंट कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन हमारी फी कम हो गई ना, पहले ज्यादा था ना, धंधा कम हो गया ना, जाने दो। नेक्स्ट AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला मैंने, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं जो रोड्स बनाता है वो, या डैम बनाता हूं, या बिल्डिंग्स बनाता हूं दूसरे किसी के लिए, या एयरपोर्ट्स बनाता हूं, तो मुझे रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू मैं PNL में रिकॉर्ड कैसे करूं? अब बोले क्या सर, क्रेडिट करने का रेवेन्यू, कितना आसान है। अरे गधे, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में खत्म नहीं होता, कौन सा एयरपोर्ट 1 साल में बन के हुआ, पुणे का एयरपोर्ट मैं 20 साल से सुन रहा हूं, जो अभी तो उन्होंने नया रनवे का काम चालू किया है, कब खत्म होएगा मालूम नहीं, अपने पुणे के हाईवे फ्लाईओवर देखो, मेट्रो तो अपना कितनी बार इनॉग्रेट हुआ है, अभी हुआ, अभी वापस होएगा थोड़े दिन के बाद, अब क्या है उसमें कोई गलती नहीं यार, मोदी जी तो ग्रेट है, मेट्रो का काम ही ऐसा है कि धीरे धीरे करना पड़ता है। तो आप जिस यू इमेजिन फ्रॉम द बुक्स ऑफ NCC, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज मेकिंग पुणे मेट्रो, ये पुणेकर लोगों को मालूम नहीं है,
उधर बोर्ड देखा ही नहीं ना हम, सर वो हम उधर ना गाड़ी दिखते बस, कोम बना रहा है वो नहीं सोचते हम, क्यों हमको किधर मालूम वो कंपनी का शेयर कैसे खरीदने का। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी वो मेट्रो बना रहा है, कुछ कुछ फेजेस है, मतलब मल्टीपल फेजेस है, दूसरा फेज में कोई दूसरा भी रह सकता है, देयर आर मल्टीपल फेजेस। तो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करूं ये मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का, यस सेवन बेसिक लेवल पे आ गया ना, मतलब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको हाई लेवल है, एग्जाम उतना हाई लेवल नहीं है, वही तो मैं आपको बोल रहा हूं। सीए कोर्स जितना आपको लगता है या जितना गूगल बोलता है ना टफेस्ट कोर्स, वो नहीं है। बच्चा फेल इसलिए होता है क्योंकि आज जो अटेंडेंस है और लास्ट डे आप अटेंडेंस देखना, देख के रखना, फोटो निकल के रखना, डर मत तू, मार्केटिंग में आएगा रील बन के आएगा, देखना लाइक करना इंस्टाग्राम पे, शेयर भी करने का, कमेंट भी करने का, सब्सक्राइब नहीं उधर कुछ तो फॉलो रहते हैं, उतना मेरे को भी आता है। बच्चा सिंसियर ही नहीं है यार, उसकी क्या करे क्या, हम कुछ नहीं कर सकते। और एक लाइन याद रखना, ऐसे बहुत सारी लाइन बोलेगा, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ, सो प्लीज हेल्प यूर सेल्फ। सो A7 में उसका अकाउंटिंग आएगा। S8 क्या है, डिलीटेड, खुश हो गए तुम, नहीं, मर्ज्ड विद S26, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग था, कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। कुछ समझा क्या? S9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्या बोला मैंने, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है इन जनरल, नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होना है। बायजूस के लोगों ने यह पढ़ा तो बहुत अच्छा है, बायजूस ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में गड़बड़ किया था, फाइनली उन्होंने चेंज किया उनका पॉलिसी, गलत पॉलिसी जो था, बट उसकी वजह से क्या हुआ, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डीले हो गए, लॉसेस हो गए, बहुत सारे धंधे में लोन नहीं मिल रहा उनको, अभी उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोन कौन देगा यार, हाँ बिना जॉब के तुमको लड़की या लड़का कौन देगा, टिपिकल माइंडसेट देखो, तुम्हारा लव मैरिज है तुम्हारा तो अलग बात है, वो क्या इश्क में कुछ भी चलता है, प्यार अंधा होता है, ओके ऐसे थोड़ा अच्छा डायलॉग बोलते जाओ मेरे को, थोड़े लेक्चर में यूज करेंगे ना। S10 रेवेन्यू रिकॉग्निशन S9 में कवर्ड है, S10 टॉक्स अबाउट टेंजिबल असेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उनका टेंजिबल असेट का अकाउंटिंग। S11 के अंदर तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंटिंग है। S12 में गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट तुमको कभी कभी ग्रांट देता, हम बोले हाँ उतना पैसा है गवर्नमेंट के पास, हाँ तो गवर्नमेंट का ग्रांट किसी बिजनेस को मिला, तो बिजनेस के बुक्स में गवर्नमेंट के ग्रांट का अकाउंटिंग कैसे करने का, या कोई एनपीओ से ग्रांट मिल सकता है, गवर्नमेंट से मिलेगा ऐसे जरूरी। S13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, तुमने कहीं इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, रियल इस्टेट में, गोल्ड के अंदर, तो तुम्हारे इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा। S14 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, मैरिजेस थे ना, कौन से मैरिजेस, अमालगमेशन, कंपनी के एम्प्लॉयज का जो रिटायरमेंट बेनिफिट रहता है उसका अकाउंटिंग S15 में, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी या लीव्स जो देते एम्प्लॉय के रिलेटेड, जो भी खर्चा है, वेजेस हो गया, ग्रेचुटी हो गया, प्रोविडेंट फंड, जो भी आइटम है, सारे के सारे आइटम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। ईसॉप मैंने एग्जांपल दिया था कॉस्टिंग के अंदर, ईसॉप का एक एग्जांपल दिया था ना, तो ईसॉप का अकाउंटिंग भी इसमें कवर्ड है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इंट्रोडक्टरी लेवल पे, बट ईसॉप पहले था, मतलब पुराने सिलेबस में ग्रुप 2 में था, अभी उतना डेप्थ में नहीं आएगा बट है। तुमने लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते है तुम, बट इंटरेस्ट नहीं बोलेगा हम, बोरोइंग कॉस्ट, इट इज नॉट जस्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़ के भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं जो लोन के रिलेटेड रहते हैं, उन सब खर्चों का अकाउंटिंग कैसे करने का। इंटरेस्ट शुड इट गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और शुड द इंटरेस्ट बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ असेट। कभी कभी हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं, असेट के कॉस्ट में एड करते हैं, कभी कभी P&L को डेबिट करते हैं, कैसे, S16 का बात करेगा। S17 में आपको ऑलरेडी बोला था, सेगमेंट रिपोर्ट, किसका एग्जाम्पल देता, BCL इंडस्ट्रीज का, ITC का एग्जाम्पल देता, BCL का क्या लॉजिक था, इथेनॉल, अगर वो इथेनॉल का गवर्नमेंट का पॉलिसी आया सच में और ये हुआ तो ये क्या होगा, स्टॉक बहुत भागेगा, कब भागेगा, पॉलिसी अभी तक आया नहीं है, वो अनाउंसमेंट था,
पॉलिटिकल अनाउंसमेंट पे इतना चीज नहीं होता, पॉलिटिकल लीडर का अनाउंसमेंट नहीं, गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट चाहिए। नितिन गडकरी जी इज अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में या गवर्नमेंट के में कैबिनेट के मीटिंग में डिस्कस होके आउटकम आना चाहिए, तब जाके क्या होगा, स्टॉक भागेगा। इंडिया में स्टॉक उसके बाद नहीं भागता, बहुत बार उसके पहले भागता है, क्योंकि कुछ लोगों को पहले ही मालूम रहता है। आप बोलेंगे कैसे, अंदर की बात है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं रहता, वो इंडिया है। तो मेरे को तो मिलेगा नहीं, गडकरी जी तो अपने दोस्त है नहीं, तो हम वेट करते रहेंगे उस दिन का। हम बीसीएल के शेयर होल्डर जो है, हम वेट करेंगे कब जाके डिसीजन आएगा, कब जाके आएगा। नहीं आया तो नहीं आया, गया लॉस में, ठीक है, या नहीं प्रॉफिट होगा। बट आई डोंट नो ना गडकरी जी या मोदी जी कब डिसीजन लेंगे। टाइमिंग परफेक्टली करना किसी चीज का पॉसिबल नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफेक्टली आइडेंटिफाई द टाइम व्हेन यू विल व्हेन गवर्नमेंट पॉलिसी विल बी अनाउंस एंड व्हेन द प्रॉफिटेबिलिटी विल कम इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट अ सेगमेंट रिपोर्ट फॉर यू। देन बिजनेसेस डू लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज। हाँ बोले है, कंपनी का रिलेटेड पार्टी कैसे हो सकता है सर? कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो सकती है, कंपनी का डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसकी बीवी होती है, बच्चा होता है, उनके साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं ना कंपनी के। ऑल दिस ट्रांजैक्शंस मे नॉट बी एट अ फेयर प्राइस। तो अभी वो फेयर प्राइस पे है या नहीं है वो हमने कमेंट नहीं करना है। हमें सिर्फ इंस्टीट्यूट ने बोला है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम नोट्स टू अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ किए उनका डिस्क्लोजर करो। सब्सिडरी हो गई, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनीज होता है, आपने लॉ में सीखा होगा गलती से तो, या सीखोगे आप, सीखोगे फाउंडेशन में था होल्डिंग सब्सिडरी, सीखोगे आप लॉ में, इंटर के लॉ में भी है वापस। तो कंपनी का डायरेक्टर तो समझता है आपको, कंपनी ने डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन किया, डायरेक्टर की बीवी समझती है आपको या हस्बैंड समझता है, तो उनके साथ ट्रांजैक्शन किया आपने, तो क्या होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर होना चाहिए। हाँ ना, वो पिलर के पीछे कॉर्नर में जो बैठ कर आइटम लोग टाइम पास करते हैं ना, वो जरा यहां पे देखो, रुतुरंग सोसाइटी, ए रुतुरंग सोसाइटी, तू और तेरे बाजू का झिपरिया, बेटर यू कॉन्सेंट्रेट, तुमको लग रहा है मेरे को दिखता नहीं, ऊपर कैमरा लगा है, उधर दिखता है कैमरा का, देख रहा है ऊपर कोई कैमरा नहीं है, सिर्फ इधर ही है मेरे पास, इधर चोरी करने आते बच्चे, एक बार मेरा बुक चोरी करके गया था तो मैंने इधर कैमरा लगाया ऑलरेडी, चोरी करने की कोशिश मत करना, कुछ पकड़े जाओगे, ऊपर वाला सब देख रहा है, इधर एक लगाया और उधर एक माइक जैसे, उधर भी एक लगाया है ना, ऐसे ऐसे उधर भी एक लगा के रखा है, तो देखना कुछ करने के पहले। कोठरी तेरे ऊपर और एक लगाएगा। सो रिलेटेड पार्टी के जो ट्रांजेक्शन है ना, वो ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर अकाउंटिंग 18 में है। तुम बहुत बार असेट्स लीज पे लेते हो रेंट के जैसा, तो उसका एस 19 में अकाउंटिंग कवर्ड है। कंपनी का प्रॉफिट पर शेयर, और उसको जिसको बोलते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एस 20 में कवर्ड है। हम सब डिटेल में डिस्कस करेगा। देन देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स व्हिच आर गोइंग टू बी किक एस, एस 21 प्लस 23 प्लस 27, ये तीनों हम साथ में सीखेंगे। दे बेसिकली हेल्प यू टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट कैश फ्लो। क्या नाम बोला मैंने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, दैट कंपनी माइट हैव सब्सिडरी। मैंने एक कंपनी में पैसा, रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाया, रिलायंस इंडस्ट्री के पास रिलायंस जियो भी है, विच इज रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस रिटेल भी है, अभी वो रिटेल का जियो, उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेस अलग किया उन्होंने रिसेंटली, अगर आपको मालूम है तो एक कंपनी की बहुत सारी क्या हो सकती है, सब्सिडरीज हो सकती है। तो वो सब्सिडरीज का और उस कंपनी का मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एस 21 में सब्सिडरी कवर्ड है, एस 23 में एसोसिएट्स कवर्ड है, और एस 27 में जॉइंट वेंचर्स कवर्ड है। लॉ में भी आप ये टर्म सीखोगे, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर वगैरह। एसोसिएट इज 20% ओनरशिप, सब्सिडरीज मोर देन 50% ओनरशिप, जॉइंट वेंचर इज 50-50। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जो इनकम टैक्स आप पे करते हो उस इनकम टैक्स का अकाउंटिंग, आप इनकम टैक्स में विजय सर आपको वो टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है वो सिखाएंगे, हम आपको
अकाउंटिंग कैसे करना है वो सीखेंगे। जीएसटी का अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स बोला मैंने, मैंने जीएसटी नहीं बोला, टैक्सेस ऑन इनकम। AS 22 इज अ टैक्सेस ऑन इनकम। 23 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, एसोसिएट का अकाउंटिंग है। 24 के अंदर आपने अगर कोई धंधा, आपके बहुत सारे धंधे बिजनेसेस है, एक आधा बिजनेस आपने बंद करने का डिसीजन लिया कि मेरे को नहीं करना है ये बिजनेस, तो उस बिजनेस जो आपने डिसकंटिन्यू किया, नहीं करने का मेरे को ये बिजनेस, क्यों नहीं करने का यार, तुम होते कौन हो? तो जब डिसीजन लिया कि इस धंधे को डिसकंटिन्यू करना है, और जब तक वो धंधा बंद हो जाता है उसके बीच में गैप रहता है 1-1.5 साल का या 5-6 महीने का, 1-1.5 साल में अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर्स कैसे करने के, तो उसके लिए AS 24 है। फॉर एग्जाम्पल गोदरेज बास्केट मालूम है तुमको, नेचर्स बास्केट, गोदरेज का एक नेचर्स बास्केट करके था, वो अभी गोदरेज का नहीं है, गोदरेज ने बेच दिया है, अभी नहीं पहले बेच दिया, 1-1.5 साल हो गया होगा। क्यों बेच दिया? उनको नहीं करना है नेचर्स बास्केट, बेसिकली ग्रोसरी स्टोर फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड टू एन एक्सटेंट सम ऑर्गेनिक, उन्होंने बोला था उसमें, उन्होंने उनको लगा कि यार नहीं यार अपने को बिजनेस नहीं करना, अपना चिकन वाला बिजनेस ही अच्छा है, चिकन नहीं चिकन, हाँ गोदरेज के चिकन चालू किया था उन्होंने कुछ, हाँ लिशियस वाला चालू किया गोदरेज का, इसका पार्शियल इन्वेस्टमेंट था मेरे हिसाब से, कुछ कुछ तो किया था गोदरेज ने, तो उन्होंने बाकी बिजनेस पे उन्होंने फोकस किया, गोदरेज को अपने को नहीं करने गए, धंधा बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन धंधा बंद किया, ये कोई दुकान नहीं है कल से बंद नहीं आने का, धंधा बंद करना मतलब किसी को तो बेचना पड़ेगा ना, असेट्स रहते हैं बिजनेस के अंदर, वो ऐसे एक स्ट्रोक में चले जाते, कल से धंधा बंद, चल कल से ये धंधा तेरे को नहीं, टाइम लगता है ना, आज मैंने डिसीजन लिया बिजनेस बंद करने का, टाइम लगता है 3 महीने का, 4 महीना, 1 साल, 1.5 साल, वो साल 1.5 साल अकाउंटिंग कैसे करने का वो कौन बोलेगा? AS 20 किकैस स्टैंडर्ड, क्वार्टरली रिपोर्टिंग कैसे करना है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्टिंग करना बहुत आसान है, क्वार्टरली में बहुत मुश्किल आता है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे जो होते हैं वो ईयरली बेसिस पे होते हैं, उसका क्वार्टरली अकाउंटिंग कैसे करने का, टैक्सेस का अकाउंटिंग कैसे करने का, प्रोविजंस कैसे करने के क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये क्वार्टरली के लिए नहीं है, नाम है इंटरिम, बट अभी तो राइट नाउ इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी है वो है सारे के सारे क्वार्टरली बेसिस पे। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन देयर इज अ ह्यूज चेंज दैट निर्मला सीतारामन हैज ब्रॉट इन द लॉ, इफेक्टिव मे हैपन इन योर बैच समवेयर ड्यूरिंग योर बैच। अनलिस्टेड कंपनी जितने भी है इंडिया में उसमें से कुछ बड़े बड़े अनलिस्टेड कंपनीज को साइज के हिसाब से या रेवेन्यू के हिसाब से चूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू मेक इट मैंडेटरी फॉर देम टू प्रिपेयर आइदर क्वार्टरली और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देयर इज अ सेक्शन 129A इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनी एक्ट रिसेंटली अबाउट अ ईयर अगो, कोविड के बाद गवर्नमेंट ने अनलिस्टेड कंपनीज को, क्योंकि बायजूस का जो फेल्योर हुआ, बायजूस में इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा लगाया है, मेरा भी है, बट आप बोलेंगे फिर आपको कुछ होता नहीं, नहीं होता, क्यों? इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो ना, दैट इज व्हाई यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू शुड पुट ऑल योर एग्स डिफरेंट, डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन कंपनी और वन असेट क्लास, अलग अलग जगह पे आपके। ये AS 25 बहुत काम का बनने वाला है, क्योंकि क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिपोर्टिंग जो इंडिया में पूरी तरीके से आने वाला है। AS 26 इज इंटेंजिबल असेट्स, मैंने बोला था 27 ऊपर जॉइंट वेंचर का है, असेट का इंपेयरमेंट लॉस होता है, लाइक डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, फाउंडेशन में आपने इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, ऐसे आपने दो चीजें की होगी, इंक्रीज को बोलते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन रिजर्व, डाउनवर्ड को हम बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस। तो इंपेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करने का वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में है, और आपका आखिरी चैप्टर जो है वो है AS 29 प्रोविजंस का अकाउंटिंग कैसे करने का। बिजनेस में बहुत सारे प्रोविजंस करने पड़ते हैं, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज दैट मे अकर इन द फ्यूचर, तो उसका अकाउंटिंग प्रोविजंस का AS 29 में। मेरे दोस्त ये ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। आई होप पहला दिन आपको मजेदार लगा होगा, ऐसे 5.5 महीने आज से डरा नहीं रहा हूं। और भाई साहब मैंने लेक्चर खत्म हुआ नहीं बोला, देखा अपना सीए कोर्स का पब्लिक, सुसु इंडेक्स वाला पब्लिक। सो पहला दिन होगा, बहुत सारे लोगों को इतने टाइम बैठने की
आदत नहीं होगी। ढाई ढाई घंटा सर मूवी नहीं सुना हमने, लेकिन लेक्चर सुनने पड़ रहे इधर थी। थोड़े दिन आपको ये अरे डालनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हम हर रोज इतना आपको सुनना नहीं पड़ेगा, बीच बीच में क्या करेंगे हम क्वेश्चंस सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। बट शुरुआत में आपको क्या है ना, टॉपिक्स के अंदर या कोर्स के अंदर एंग्रॉस होना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नया समझा होगा, ओशन ही अलग लगा होगा कंप्लीट। मैं आपको यही बोल रहा हूं, अगर आप थोड़ा बहुत तरीका चेंज करो ना बच्चों सीखने का, आप वापस कभी रॉटन अप लर्निंग की तरफ नहीं जाओगे। धीरे धीरे चेंज करो। जो फाउंडेशन वाला बच्चा है हमारे पास से, मतलब ऑलरेडी मेरे से सीखा हुआ, उसको दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी यूज टू किया है। बाकी बच्चे को 2-4 दिन मैक्स, और ऐसा कुछ नहीं। और मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, इफ यू लर्न थ्रू द कॉन्सेप्चुअल वे, देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू सर्वाइव दिस न्यू सिलेबस। ऑनलाइन पब्लिक, तुमको भी घर पे मजा आया होगा, तुमसे भी हम बातें करते रहेंगे। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं है मेरे को, मैंने तुमको बोला ना यार, मेरे को उस चीज से मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। मतलब वो लाइक सब्सक्राइब शेयर से, वो उससे अगर हम हमारी एक चीज और बोलता हूँ, इफ यू इन योर पर्सनल लाइफ आर गोइंग टू डिसाइड हाउ गुड और हाउ बैड यू आर ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स दैट यू गेट ऑन सोशल मीडिया और प्रेज दैट यू गेट फ्रॉम अदर्स, यू एज एन इंडिविजुअल इज ओवर। यू कैनॉट डिसाइड यूर ओन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ समवन एल्स। हाँ, यू शुड, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, कुछ है वो आपने लेना चाहिए। बट लुक, तुमने फोटो, बहुत सारे बच्चे यार फोटो सोशल मीडिया पर डालते, लाइक नहीं आता, अरे मम्मी मेरे को लाइक नहीं आ रहे। क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके ना यार, यू कीप ऑन डूइंग गुड वर्क, सम टाइम पब्लिक विल अंडरस्टैंड, सम टाइम पब्लिक विल नॉट अंडरस्टैंड, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, कल से इंट्रोडक्शन नहीं है, कल से हम कंटेंट में, कॉस्टिंग का एंड में थोड़ा कंटेंट आया था 10-15 मिनट, प्रॉपर अभी कंटेंट में, कल से मैं टॉपिक चालू करेगा कुछ। तो शुरुआत में आपको PDF आएगा एक दो, कल के दिन परसों तक प्रिंटेड वाला भी आ जाएगा। ऑनलाइन पब्लिक, तुमको थोड़ा सा प्रिंट आने को, सॉरी प्रिंट होके कुरियर आने को थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक PDF पे एडजस्ट कर लेना। प्रिंटेड भी मटेरियल भी आ जाएगा, कलर वाला भी आ जाएगा। पहला जो एक चैप्टर है आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट का कलर वर्जन भी मिलेगा तुमको। हाँ, मल्टी कलर, हाँ मल्टी कलर, मल्टी बुक्स, हाँ MCQ बस जाए। अरे चार्ट वो मैं देखो, मेरे से होने वाला नहीं है वो मार्केटिंग, मैं सिर्फ जोक के लिए बोल रहा हूँ। ये बुक आएगा, कलर वाला आएगा पक्का, बट वो कलर से ज्यादा जो जिंदगी के कलर आपके भर दूंगा ना मैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी यू टुमारो, बाय बाय।